राम जी के पास है सबके लिए मसाला, राम जी के पास है सबके लिए मसाला, हर ताले की चाबी, हर चाबी का ताला, हर ताले की चाबी, हर चाबी का ताला। जैसी भूख देखे वैसा देने वाला, राम जी के पास है सबके लिए मसाला। क्या बात है भैया, राम जी के पास है सबके लिए मसाला, हर ताले की चाबी, हर चाबी का ताला, हर ताले की चाबी, हर चाबी का ताला। बाबरची घराने से जुड़ी है इनकी तारे, बाबरची घराने से पीढ़ी दर पीढ़ी से बाबरची हैं सारे, बाबरची घराने से जुड़ी है इनकी तारे। कुएं के मेंढक है राम जी पर है कुएं के राजा, सारे कुएं में बजता है इनके नाम का बाजा। राम जी के पास है सबके लिए मसाला। बहनों की शादी की सर्व जिम्मेवारी, रात दिन यही ख्याल सर पे करे सवारी। एक चुटकी अच्छा है ना रे, पसंद है ना लड़का? राम जी के हाथों में ऐसी है कला, वो मंत्र है कि हर शय में जी भर डालो प्यार, वो क्या स्वाद जो रूह को ना बैलगाड़ी वाला हो या रेलगाड़ी वाला, राम जी के पास है सबके लिए मसाला। ये लो राम जी, लीजिए सिंह, नहीं रख लो, जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। हर ताले की चाबी, हर चाबी का ताला, हर ताले की चाबी, हर चाबी का ताला, ताले की चाबी, हर चाबी का ताला। और जैसे ही भूख देखे भैया वैसे ही देने वाला, राम जी के पास भैया राम जी के पास रे राम जी रे जी रे जी रे जी रे जी रे राम जी के पास। जैसे भूख देखे सबके लिए राम जी वैसे ही देने वाला, राम जी के पास है सबके लिए मसाला, राम जी के पास है सबके लिए मसाला। ऊ जमाना में गोपाल नारायण तिवारी का बड़ा नाम था, बहुत नामी बावर्ची थे। अब भगवान की लीला भी देखा, मरे भी तो रसोई में, जुल्लन के ब्याह में मटर के झोर में छाती पकड़े पकड़े परान छोड़ दिए। ऊ समय राम जी 12 साल के थे और पार्वती ओकी छोटी बहन 7 साल की। तब से राम जी जो किताब कापी फेंक कर अपने बापू का कलछ में धरे हैं, अपने बापू से बढ़कर बावर्ची निकले हैं और एक ही सपना मन में रखे हैं कि पार्वती का ब्याह खूब ही धूमधाम से करे, अपने ऊपर एक ढेला भी खर्चा नहीं किए, सब पार्वती के ब्याह के लिए बचा कर रखिए। और आज वो दिन आ गया, ऐसा ब्याह हो रहा है
कि पूरा गांव आंख फार कर देख रहा है। का काकी फिर से हुई स्टोरी। दादी जी पांडे जी आ गए। टुमारो फैक्ट्री में आ जाइए। हाँ, नमस्ते। नहीं अभी तो हम फैमिली फंक्शन में हैं। अरे राधे कहाँ गायब हो गया? भरी बाजार में इज्जत नीलाम करेगा। बहुत बहुत मुबारक हो मिश्रा जी। ए पपुआ। हाँ राधे दिखाई दिया का? ना नहीं दिखाई दिए। रीस कहाँ मर गया? यानी नाम पितेतासी देवी भगवती सा वल्दा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। यानी नाम पितेतासी देवी भगवती सा वल्दा। ओम मंगलम भगवान विष्णु। जी तेरा। जुग जुग जी हो बेटा। खुश रहा बाबू। दूधो ना हा पुतो फलो। हमार बचुआ पूरा पैसा दे दिया। राम जाने का का करना पड़ा होगा हमार बेटा को इतना रकम जुटाने खातिर। राधे राधे आ रही ले पटना। अरे का बात है, कोनो परेशानी है का? अरे दो दिन से हम राधे को ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहाँ मर गया। रड़ैया है हजाम है ऊ का हुआ बैठा है, दो ही पात उठ गया मतलब ठूस रहा है। अरे इसको ढूंढ ढूंढ के हम परेशान हो गए और यहाँ बैठ के डकार मार रहा है। इसकी तो समधु जी का हजामत बनवाना है। अरे समधु जी हमारी हजामत ना कर रहे तो मेहरबानी होगी। का राजा इतना टाइम गिनने में? अरे लगता है बहुत सजा सजा के गिन रहे हो। सुबह से हम समधु जी के सामने नहीं जा पा रहे। का है? अरे राधे से पैसे लेकर ना हमको समधु जी को दहेज में पैसे देने थे। सबके सामने छाती टान कर लाल कपड़ा में बांध के दिया वो का था? राम जी बस हो गया पिताजी, 251 है। कंफर्म कर लिया ना कि 251 है? जी पिताजी। अभी अलमारी में रख के ताला बंद कर दो, ठीक है? कल सवेरे सवेरे उठ के हम बैंक में जमा कर देंगे। बैंक में? रुकावट के खातिर खेद है पिताजी, लेकिन उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। अरे चौरसिया जी को देख सारा बीड़ा यही बनवा लेते हैं। आप कितना सुपारी लेंगे कि सूखा? सुपारी चूना लग गया कारे? अरे 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 बिल्कुल हद कर दिए, हमारे बीच में घाटा हुआ था। अरे हम आपकी बिटिया को देखे बगैर उससे ब्याह करने को राजी हो गए थे। काहे? ताकि जो दहेज आप अपनी बिटिया को देते वो दहेज मिलाकर हम अपनी पार्वती का दहेज पूरा करते, और आप है बिल्कुल बेफिक्र है। अरे पैसे निकाले ना। काहे? बैंक ड्राफ्ट हद ही कर दिए। घर छोड़ के भाग गई और जाते जाते दहेज का सारा पैसा भी ले गई। लिखा है आपके जैसे बदन महकने वाले रसोई से ब्याह नहीं करेगी। बुर्बक समझ लिया है अपने जैसा बकलोल। ये पान का पत्ता और रुपया में हमको कोनो फर्क समझ में नहीं आएगा। देखिए राम जी, अगर हम चाहें तो इसी समय पूरे समाज के सामने तुम्हारा इज्जत नीलाम कर दें। देखिए हमारा बेटा को फुटपाथ पर है, टेलीविजन पर वेदर रिपोर्ट पढ़ता है, मौसम का हाल, और जब तक चीफ मिनिस्टर नहीं सुन लेते अपना हेलीकॉप्टर नहीं उड़ाते। अरे कोनो दिक्कत था तो हमसे कहे होते, कुछ और सोच लिया जाता, लेकिन पान का पत्ता हमको समझ में नहीं आता। माफ कर दीजिएगा संदीप जी, हमें कहीं से पैसे आने की आस थी, टूट गई इसीलिए गड़बड़ हो गई। इसने कहा स्वागत सत्कार का इंतजाम किया है, अपनी औकात से बढ़कर किया है, खुद ही अपने हाथ से खाना बनाया है, और उसका भी इंतजाम है डिजर्ट आइसक्रीम कुल्फी कुल्फी। हाँ आपने खाया का? अरे भाई समझी जी के लिए कुल्फी भी लाओ। ए भाड़ में जाए आपका कुल्फी। अब कुल्फी लेके आइए बर्फ का सिल्ली, हम ठंडा होने वाला नहीं है। बस सुनिए का वो पांडे जी जा रहे हैं, उनको विदा नहीं करेगा है का? आते हैं चलो। देखिए राम जी ब्याह हो गया, लड़की विदा करके हम ले जाएंगे। हम आपकी इज्जत रख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं 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 ब्याह हो गया इसका मतलब ये नहीं कि हम फंस गए हैं। इमंतर फेरा रीति रिवाज सबका काट है हमारे पास। कितना तकलीफ उठाता है, बरसात होता है तो उसमें भी स्कूटर पर भींगते हुए टेलीविजन पे वेदर रिपोर्ट पढ़ने जाता है। जब कैमरा के सामने बैठता है तो इसका माथा से टप टप पानी चूता है। बताइए
का इलाज है इसका? है कौन इलाज? कोई इलाज है का? भोले बम जाने के लिए छाता खरीदे थे, बोलिएगा तो नया बरसाती खरीद के दिया जा सकता है। का छाता बरसाती का बात कर रहे हैं आप लोग? गर्मियों के दिन में का बरसाती पहन के चलेगा? अरे रसोई में नहीं बैठना है, दिन भर गमछा ओढ़े बेलन भाज रहे हैं। अरे टीवी पे आता है, पूरा बिहार देखता है, है? आप लोगों को चाहिए कि एक फर्स्ट क्लास सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद के दे दे। सुनिए, भले ही अकेले पटना में सड़ता रहे, लेकिन जब तक आप लोग गाड़ी खरीद के नहीं देंगे, लड़का लड़की का सुहाग रात नहीं होगा। क्या कह रहे पिताजी, सुहाग रात तो आवश्यक ना है। चुप, बड़ लोग बात कर रहा है तो बीच में बोलता है। चल निकल। चुप लो, सुन लो ना, सारा गांव मिलकर ही शादी करवाया है। अरे नहीं, बस कहा से छुटा है? अब ज्यादा राय विचार करने का कोई जरूरत नहीं है, जो कहा दिए सो कहा दिए, बस अब इंतजाम कीजिए। बार बार नहीं बोलेंगे। ये कहा हो गया छोटू मामा, कैसे लोगों के साथ फंस गए? अरे इनको तो मेरे बावर्ची होने पे भी शर्म आता है, कह रहे कि अगर इनके घर वाले पूछे तो कहे कि हम किसान हैं। छोटू मामा, हमारी पार्वती इनके यहाँ खुश तो रहेगी ना? मजा आया शरबत पाइए ठंडक लाइए। ये शरबत है कब सीरप, दुई चम्मच से बेसी कौनो गिलास में नहीं है, ऊपर से कौनो को पीने भी नहीं देता। राम जी है ना, है? कर्जा लेकर बहन की शादी करवा रहे हैं। आपकी बेटी का शादी होने दीजिए, कुएं में घोल कर अब पूरे गांव को शरबत पिलाएंगे। पिला पिला पिला, आपको तो हम पूरा गिलास पिलाएंगे। परेशान लग रहे हो राम जी, हमारे लिए कुछ काम होगा तो बताइएगा जरूर जी। जैसे वो आपकी बहन वैसे हमारी बहन। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा थक गए हैं। अगर इंतजाम में कोई कमी हो गई हो तो। कमी? इतना भव्य इंतजाम किए हैं, अब कमी काहे का? अब कुल्फी खाए कि नहीं, आज का स्पेशल आइटम? खाए खाए, बहुत अच्छी थी। हाँ, तीन बार तो हमारे सामने ही खाए हैं। अच्छा, पधारने के लिए धन्यवाद। चलिए, नमस्ते। अरे समझी जी, हम मानते हैं कि हमने गलती कर दी, लेकिन कुछ भी करके पैसे जुगाड़ करके हम आपको दे देंगे। कम से कम सबके सामने हमारी इज्जत तो मट्टी में मत मिलाइए ना। कर दिए ना बंटवारा। अरे हमारा और आपका इज्जत का अलग अलग है, अभी कह के हमको पराया मत कीजिए। अरे रुपया पैसा तो कौनो चीज नहीं है, सबसे बड़ा धन तो आप हैं हमारे लिए। डॉक्टर को बुलाए का? हाँ? अच्छा मजाक कर लेते हैं आप तो, बड़ा भाग्य लिखवा के हैं आप। अंग्रेजी बोल लेते हैं ना? हाँ थोड़ा बहुत तो बोल लेते हैं। चलिए, ज्यादा थोड़ा क्या होता है। आइए आइए, इनसे मिलिए। पांडे जी हाथ मिलना चाहते हैं। पांडे जी, ये है हमारे राम जी। नमस्ते। वाह क्या बात है भाई, ऐसा लगा जैसे स्वाद की देवी खुदाए धरती पर उतर आई। व्हाट ए कुक यू आर जेंटलमैन। अंग्रेजी भी जानते हैं, बोलिए ना। ना हम कुक नहीं हैं, हम तो किसान हैं ना। कुक कुक, अरे ये सब खाना यही तो बनाया है। अरे आप लोग भी बोलिए ना कुछ। हाँ, यही पकाए हैं, अंग्रेजी हिंदी सब पकाते हैं, वो भी पकाते हैं। गाना में का नमकीन से मैया पूडल नूडल। वही वही। अरे अरे वो बहुत अच्छा रसोईया है, बहुत अच्छा रसोईया है। कुक कुक है। अरे आप लोग भी प्लीज कुछ बताइए, कुछ बताइए इनको। पूरा बिहार में कौन इनका हाथ नहीं पकड़ सकता। बचपन से पकाते हैं, रिश्ते में आते हैं बड़की चाची की तरफ से। नाम है वकील चौबे, वहाँ जाके विक्की चौबे हो गए। लंदन में पूरा अपसर गए हैं, खूब जमा लिए हैं, एनआरआई का कार्ड भी ले लिए हैं। 6 महीने पहले जब गांव आए थे ना, बहुत दुखी थे बेचारे, वहां का बर्बाद खाना खा खा के थोबड़ा पिछाड़ा एक हो गया बेचारे। तभी उसने बताया कि उसे एक वेजिटेरियन कुक की जरूरत है। वेजिटेरियन कुक 400 मिलेगा। 400? 2500 तो राम जी को यही मिलता है। करे और नहीं तो का। अरे पाउंड 400 पाउंड रुपया नहीं, और एक पाउंड में 80 रुपए होते हैं, लगा हिसाब। बोल ना बेटा, पकाता तो है।
छपरा से आगे बढ़े हो कभी? माने 20-22 हजार रुपया महीने का कि साल का? 20-22 हजार नहीं, 30 हजार महीना। 30 हजार? इतने दिनों से हम कुक ही खोज रहे थे, यहाँ भोजन खाते ही हमको लग गया कि बस अपनी तलाश खत्म हो गई। और रसोईये का नाम पूछे तो पता चला कि अरे ये तो दुल्हन के भाई निकले। निकले? अरे आप ही के लिए तो निकले, ले जाइए। अरे आगे ना तो ना पीछे पगा। अरे जाइए जाइए बबुआ। अरे सुनिए, सामान बांधिए इनका। अरे नहीं नहीं, अरे हम कैसे वहाँ तो इंग्लिश, देखिए पढ़ाई भी तो पूरा नहीं किया ना, सिर्फ 8वीं कक्षा तक पास हैं। और ऐसा पढ़ल लिखल लोग हमारे राम जी के पैर के दूर बराबर भी ना है। ए बबुआ, इमा मुँह लटकाए के का बात है? तोरा ठीक ठाक समझ में आए ता जा, और ठीक ना समझे तो लौटी बस पकड़ के घर आ जा। बस की क्या जरूरत है, यहीं पर तो है, पैदल ही वापस आ जाएंगे राम जी। सात समंदर पार जाना पड़ेगा काकी, है ना पांडे जी? देखिए भाई, भेजने का तो हम भेज दे, बाकी इनकी मर्जी भी तो कोई चीज होती है ना। तो हमारी एडवाइस है के शांत दिमाग से फुल फैमिली सोच विचार कर लीजिए और हमको बता दीजिए। तो आपका फैमिली से बाहर है, मन का बनाना है इसमें, ले जाइए ले जाइए। अरे जिंदगी बन जाएगा हमारा इनका, ऐसा मौका बार बार थोड़ी आता है। आखिर है कौन इनका? ले दे के एक तो बहन है, उसके लिए तो जाएंगे ना। चलिए चलिए, इनके जाने का इंतजाम कीजिए, चलिए। क्यों भाई राम जी, क्या कहते हो, तैयारी करें? विलोचनम सुरेशम अभिभूषित कंठमच सूत्रम भ्रमयतम हृदय गणेशम ओम। जजमान, केकरा नाम से पूजा करे को होई? गोपाल नारायण तिवारी पंडित जी। हे प्रभु, सारी जिंदगी हम तपस्या की है, टकसाल में इसको भेज रहे हैं रुपया कमाने। हे प्रभु, हमने इस सुहागरात पर से अमावस की छाया जल से जल हटा दा। राम भैया का ध्यान रखो, पहली बार विदेश। राम जी का ख्याल रखा, विदेश जा रहे हैं। मेरे बच्चों का भविष्य राम जी से जुड़ा है, इतने लोगों का सपना और इच्छा के साथ भेज रहे हैं, कुछ अच्छा ही सोचे होंगे। हमारा ख्याल रखिएगा। जोड़ी एकदम शिव पार्वती का है, पर उसके घर वाले थोड़ा लालची टाइप के लगते हैं। पार्वती को बस वहाँ जाने का देर है, अपना गुण और स्वभाव के साथ पूरा घर भर देगी, सब लालच भुला जाएगा उनका। हाँ उनका घर तो भर जाएगा, पर हमारा घर तो एकदम सुनसान हो जाएगा। हाँ सब कुछ सुनसान हो जाएगा। ए पपुआ, का हुआ रे, थोड़ा परेशान लग रहा है? थक गए हैं, थोड़ा आराम कर लो, मन हल्का हो जाएगा। ठीक से काटो, मशीन नहीं रखे हो का? ना, और मशीन रहता तो का नाक में घुसा देते। चल काट काट। सब ठीक ठाक चल रहा है ना? ए अब्दुल, तू नाप ले लो, और सुनो इसके बाद अरे बगल में भी छील लेना। अरे बगल छीलने से जलने लगता है। अरे पाउडर लगने से नहीं जलता है, पाउडर लगा ना कि सब शांत हो जाएगा। उठिए जरा नाप ले ले। अरे अरे जब ही उठ जाएंगे तो हम काम कैसे करेंगे? उठेंगे नहीं तो हम नाप कैसे लेंगे? दोनों काम एक के साथ कर लें तो हर जा। एक बात बता, तो पाउडर लगाने से नहीं जलता है? नहीं जलता है तो छील दो जी। अरे का अभी ये वो नाक का काम पूरा नहीं हुआ है, एक तरफ से नाप ले रहा है, एक तरफ से बगल सजवा रहा है। देखिए बीच में खून खच्चर हो गया तो हमारा जिम्मेदारी नहीं होगा। गजब करते हो यार तुम लोग, विदेश हम जा रहे हैं और हड़बड़ा तुम लोग रहे हो। कोई कहता है छिल लो, कोई कहता है सिल लो, भड़कते कहाँ है भैया जी, जा आप ही न रहे हैं। लेकिन आदमी बन के न जाइएगा, ये जंगल लेके कहाँ जा रहे हैं? छठ पे ज्यादा घुमा के देखा। अच्छा ये नमूने को कहाँ से आ रहे थे? मोहम्मद मियाँ कहाँ है? मोहम्मद मियाँ खुद ही बोले कि हमारे बेटा को नया फैशन का पूरा जानकारी है, इसी को लेके जाओ। देखिए ना कैसे फिल्मी कट पहने हुए हम अपने सीए हैं। बहुत होशियार है भैया जी। अरे पिछले साल भैसा लोटन में शूटिंग हुआ था ना, तो चंकी पांडे का पैंट यही सिया था, कह रहे वो घोड़ा पर चढ़ने का शूटिंग था, घोड़बा साला एक नंबर का खच्चर, दो दो हाथ उछलता था। जय चंकिया घोड़ा पर चढ़ा, घोड़बा उठा दिया,
ये तो बढ़िया हुआ बेचारा खाली पहनते थे। इसको सिलाई कहते हैं तो रफू किसको कहते हैं रे? आते रफू है, लेकिन चंकी पांडे हाथ तो हमें से मिला है ना। साले, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमसे कपड़ा सिलवा लेने से इनके अमिताभ बच्चन जी आएंगे और कहेंगे आओ हाथ मिला। अरे अमिताभ बच्चन जी का नाम मत लो यार, उनका नाम सुनते ही हम जोश में आ जाते हैं ना। बस एक ही तो ख्वाहिश है, जैसे लोग अमिताभ बच्चन को उनकी कलाकारी की वजह से जानते हैं ना, वैसे अमिताभ बच्चन हमको भी एक दिन कुकिंग कला की वजह से जाने। बिल्कुल जाने भैया, फिल्म के संसा और अब कुकिंग के। अच्छा बाबूजी आज्ञा दीजिए, चलते हैं। वहाँ पहुँचते हम फोन करेंगे। छुटकी का ख्याल रखिएगा, बच्ची है, कोनो गलती हो जाए तो अपनी बेटी समझ के माफ कर दीजिएगा। बिल्कुल फिक्र मत कीजिए राम जी, बेटी जैसी है बेटी जैसी रहेगी। अच्छा देखिए, आप अपना खाना पीने का इंतजाम रखिएगा, रुपया भेजना मत भूलिएगा। ना ना, उसी के लिए तो जा रहे हैं। जरूर। अच्छा चलते हैं। पप्पू, बहुत जिम्मेदारी छोड़ के जा रहे हैं तुम्हारे कंधों पर, अपना ख्याल रखना। संभाल के रखिए, ढेर नहीं है, थोड़ा सा ही है। अरे तेरी। इस लिस्ट में जो भी सामान लिखे हैं, गिन के ले आइए, ध्यान भी रखिए। ए छुटकी, काहे रो रही है रे? भैया, अपना ख्याल रखना। देखो, तुम्हारा रोता हुआ चेहरा देख के हम विदेश नहीं जाना चाहते, ये सब हम तुम्हारी खातिर ही ना कर रहे हैं। हाँ? चलो मुस्कुराओ। हाँ। और ससुराल में किसी को शिकायत का मौका मत देना, और चिट्ठी जरूर लिखना। चिट्ठी लिखते वक्त किसी की बुराई मत लिखना, कोई पढ़ लेगा तो बहुत परेशानी हो जाएगी। कोनो जास्ती परेशानी हो जाए ना, वही चिट्ठी जो है पेंसिल में लिख देना, हम समझ जाएंगे। ठीक है, चलें का? हाँ। रोक रोक के। अरे बहुत ठीक है। लाइए चीले मत। हाँ हाँ चलो चलते हैं भाई। चलते हैं। हेलो आशीर्वाद। हमारे हाथ लगना नहीं भैया। चिट्ठी लिखना नहीं। हम जी अभी हमारी लिस्ट का ध्यान रखिएगा। कितनी परीक्षा कर लेंगे? नहीं बस चिट्ठी को भूल मत जाना रामजी। Hello. Hello. This way through towards the end. Thank you. Thank you. Hello. Could you sit down over there? Yep. Straight down the end. Thank you. Hello. Over there. हाय। अरे सबसे बोले भाई साहब। नहीं मेरा मतलब है नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते, कैसे? बस ठीक। अच्छा अच्छी तरह लॉक लगा लिया? हाँ लगा दिया, लगा दिया। अरे वाह, ताला भी लगा लिया? हाँ। चेन भी? हाँ। लगता है आपका लंदन आना जाना काफी होता है ना? ना पर काय पूछे? वो क्या है कि आप पूरी तैयारियां करके आए है ना? हाँ। देखिए सूटकेस, चेन, ताला, अचार। हाँ वो थोड़ा महका रहा है ना। हाँ, इसलिए लग रहा है आप रेगुलर विजिटर हो। ना पहली बार जा रहे हैं। पर ये सब तो कॉमन सेंस वाली बात होती है ना। पूरी तैयारी के साथ निकलना चाहिए जब भी। अरे तेरी वो अजीब कोट कहाँ पहन रही है? अरे ये कह रही है। हाँ? कि आपकी सीट के नीचे जो लाइफ जैकेट है ना। हाँ? उसे पहनने से आदमी डूबता नहीं है। अच्छा? अगर ये प्लेन पानी में गिर जाए तो। गिर जाए? हाँ पानी में। हाँ गिरेगा, लेकिन पानी में या जमीन में वो नहीं मालूम। एक्सक्यूज मी सर, स्टैंड अप प्लीज। प्लीज अभी नहीं, प्लीज उतारो। नहीं नहीं हम पहने रहते हैं, बाद में दे देंगे ना आपको। नो सर, इफ वी वर टू लैंड एट द वाटर वी'ड हेल्प यू। देखिए पानी में गिरने के बाद हम आपको कहाँ ढूंढेंगे, हम पहने रहते हैं ना। नो सर, यू डोंट अंडरस्टैंड, यू हैव टू टेक दिस ऑफ। नहीं हमको पहने, देखिए वहां पहुंचने के बाद। नो सर, यू हैव टू टेक दिस ऑफ। अरे सुनिए, अरे भाई साहब कुछ समझाइए, उसको खींचो, इसको खींचो। अरे भाई क्या हुआ? गुड। अरे निकलिए निकलिए निकलिए, देखिए प्लेन को पानी में गिरने की जरूरत नहीं है, ये गला दबा के मार देगा। अरे निकलिए तो सही। होल्ड ऑन।
ऐसा क्या दिख रही है, जाइए। बहुत छोटा ये तो थोड़ा ऊंचा रख दिया रे भाई। जाइए जाइए, क्या देख रही हैं? साला इंसान के लिए बनाया या कबूतर के लिए? Excuse me, there's some man in the toilet and we've been waiting for so long. What's he doing for so long? We've been waiting really long. Okay, okay, don't worry, don't worry. Let me see what's wrong. Excuse me. Huh? Hi, can I help you, sir? Huh? Can I help you? लोटा है का? लोटा? हाँ। What लोटा? अरे हम निपट चुके हैं, यहाँ पे ना मग है ना बाल्टी, लोटा मिलेगा का? No sir, आपको पेपर ही यूज करना पड़ेगा। अरे हम पेपर नहीं ना यूज कर सकते, पेपर तो हमारे यहाँ सरसूती होता है, उसे हम पांव तक नहीं लगाते। और आप कह रही है नहीं, नहीं प्लीज सर, आपको पेपर ही यूज करना पड़ेगा, बहुत पीपल लाइन में खड़े हैं। अरे अरे देखिए, आप लोग थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए, यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं है भाई, अंदर आओगे तो फंस जाओगे, हम बुरी तरह फंस गए हैं। हरामजादे, इतने पैसे लेते हैं लेकिन एक बाथरूम में लोटा नहीं रख सकते, का गोरख धंधा है सर? अरे आ रहे भाई, आ रहे आ रहे। Come on, sir. का देख रही है? आप लोगों के लिए पेपर है, जाइए जाइए। Go on through. हद कर दिए, अब बैठने को मन नहीं कर रहा है। Oh God. आप लोगों को मजाक लग रहा है का? सबका सामान कहाँ है, तलाश कर रहे हैं लोग हैं? डेढ़ घंटे से इसी लाइन में हम लोग खड़े हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अरे अरे तेरी, आते आते चोर डकैत का दर्शन भी हो गया। पर ये तो अच्छे घर के लगते हैं भाई। ये चोर डाकू नहीं है, ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इनको डिपोर्ट किया जा रहा है। रिपोर्ट? नहीं नहीं, रिपोर्ट नहीं, डिपोर्ट किया जा रहा है। जैसे आपके पास ये कागज है ना, ये पासपोर्ट है, ये वीजा है, यही आपकी पहचान है। अच्छा। अगर आपके पास ये ना हो तो आपको भी जबरदस्ती वापस भेज दिया जाएगा। Next, please. नमस्ते। What is this, please? No, no, this is not my. Okay, sorry. Next, please. ना आप समझे नहीं, this my friend, brother, sister, husband, London. He like very much for him. Is it edible? का? Is it eatable? Eatable? No, 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 not eatable. Only touchable. अरे अचार है भाई। Sir, you eat full bottle. Then morning tomorrow, ले लोटा भाग। No लोटा, no problem. और paper finish also. अरे भाई छरछरी छुट्टी। क्या बात है भाई साहब? अरे आप हिंदी बोलती हैं? जी। अरे ये तो अचार है भाई। Oh, it's just pickle in the jar. Is that okay? Yeah, that's fine. Yeah? You can go now. कोई बात नहीं, ठीक है, आप ले जाएं। अच्छा अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। Next, please. टैक्सी भाई साहब, अरे एक मिनट, ये पत ये देखिए, हाँ ये दिस एड्रेस गो। हाँ ठीक, कहाँ है दरवाजा? ये उल्टा दरवाजा है, आगे जाएगा पीछे जाएगा? ये हाँ गो। एयरपोर्ट पे कोई लेने तक नहीं आया, कैसे लोग हैं? अरे गाड़ी से तेज तो आपका मीटर दौड़ रहा है, बहुत महंगा है। हाँ ओके, बस बस इनफ। 20 प्लीज। हाँ यू टेक दिस मनी गो। हाँ जाओ ना। अरे भाई साहब, विक्की चौबे साहब का घर जस्ट राइट है। हाँ ये है का? बहुत आलीशान महिला है भाई। चलो अच्छा, श्रीमान विक्की चौबे जी अंदर, राइट इन। अच्छा, अरे विक्की चौबे साहब से मिलना है। वेट अ सेकंड, हाँ हाँ, यू आर फ्रॉम कुक फ्रॉम तकीपुर? हाँ जी, हाँ धन्यवाद। मिस्टर विक्की चौबे, अच्छा अरे यहाँ तो पूरा मेला लगा रहे भाई, रुतबेदार आदमी लगते हैं। हाँ?
मिस्टर विकी चौबे ना, ना ये नहीं हो सकता। घर है, अब हम क्या करेंगे भाई? पार्वती, सलाम जी। हाँ सॉरी, हम आपको एयरपोर्ट पे लेने नहीं आ पाए। आप समझ ही गए होंगे क्यों। दरअसल हमने आपको यहाँ आने से रोकना चाहा, लेकिन उसके पहले ही आप निकल चुके थे। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन अब हम क्या करें? ये तो एक्सक्यूज मी, हेलो। हाँ मैं आपको 10 आप वो आपको वहाँ नहीं रखना चाहते। देखिए आपका इंडिया का टिकट तैयार है और ये लीजिए कुछ पैसे और आप फौरन इंडिया चले जाइए। देखिए देखिए, हम ये पैसे लेके कहीं नहीं जा सकते, इतने पैसे में तो कुछ नहीं होगा। अरे हमारे गाँव के लोग, हमारी बहन पार्वती हमारी कामयाबी पे आस लगाए बैठी हैं। हम ही पैसे लेके वहाँ चले गए तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। मैंने कहा वो आपको यहाँ नहीं रखना चाहते। सिर्फ शाकाहारी नहीं, हम सारी खाना बनाने को भी तैयार है। वो तो ठीक है। अरे अरे हम सारा घर का ख्याल रखेंगे ना। नहीं अरे सुनिए, हम काम लेके जाएंगे वापस। मेरी बात सुनिए, वो आपको यहाँ नहीं रखना चाहते। वापस भेज सकते भाई। अरे मेरी बात मान लीजिए ना। सोचता हूं अपने छुटके को अंग्रेजी स्कूल में दाखिला दिला दो। महंगा जरूर है पर तुम्हारा आशीर्वाद मिल गया तो भी हो जाएगा। काय हाँ अरे छोड़ो, अरे हमारे बैग छोड़ो। अरे कहाँ है, अरे कोई है यहाँ पे? अरे ऐसे ही चोरी कर रहेगा क्या? अरे हम नहीं छोड़ेंगे। अरे 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 हमारे गांव वाले होते तो बता दे। अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, चला हमारा बैग छोड़ो। अरे इसमें हमारे कितने हैं भैया? अरे कोई है कि यहाँ पे? What are you guys thinking of? Leave him alone. Hey officer, down here. अरे छोड़ो ना यार, छोड़ो, छोड़ो। ऐसे ही हमारा बैग चोरी करेगा क्या? Hey man, you're right. हाँ बैग, हमारा बैग, अरे हमारा बैग कहाँ गया भाई? अरे बैग, अरे बैग कौन उठाया भाई? अरे बैग कहाँ मेरा?
Almost done. अरे ये क्या है? बड़ा अजीब है। अरे कहाँ है भैया? किसका बच्चा है भाई? अरे कोई है कहाँ? अरे 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 रुको 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 अरे गाड़ी लग जाएगा अरे भैया एक रुको अरे बिटवा अरे लग जाएगा गाड़ी अरे अरे बड़े बुड़बक हो हंस कर रहे हो भाई अरे किसका बच्चा ये अरे कोई है कहाँ कहाँ तुम्हारे घर वाले हेलो सोनू घर वाले आ गए सोनू सोनू बेटा बेटा ठीक हो ठीक हो हाँ बिल्कुल ठीक है भाई वी आर रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू थैंक यू हाँ थैंक यू थैंक यू गुरु ये हंस क्यों रहा है अरे वो हमारी दुविधा देख के हंस रहा है कुछ नहीं हुआ बिल्कुल ठीक है पर आप लोग भी कैसे माँ बाप हैं बीच सड़क पे छोड़ के चले गए अगर वो लड़कता हुआ सड़क तक पहुंच गया होता तो वहां कांड हो गया होता ना ध्यान रखिएगा वी आर रियली वेरी सॉरी पता नहीं कैसे अरे आप बिहार के हाँ बिल्कुल ठेठ बिल्कुल ठेठ वी आर वेरी ग्रेटफुल थैंक यू सो मच आपने सोनू की जान बचाई नहीं नहीं ऐसी क्या बात आप रहते कहाँ हैं फिलहाल तो सड़क पे हैं अब आगे देखते हैं नहीं वाकई नहीं आप शहर में नया है हाँ बस एक दिन हुआ है पर एक दिन में सारा जिंदगी देख लिया राजा से रंग हो गए अब इसको देखिए अरे ए बब्बर शेर कैसा है रे हाँ अरे अरे छोड़ो आप ओह माय गॉड गुरु इज ब्लीडिंग ना ना कुछ नहीं वहां भी ऐसे कैसे आप हमारे साथ घर आइए मैं ड्रेसिंग कर लेती हूं कोई जरूरत नहीं है घर ले जाने की क्या जरूरत है बाजी में अस्पताल है वहां ले जाके छोड़ देता हूं इन्हें हम घर ले जाएंगे आपका नाम क्या है हमारा नाम रामजी है रामजी हाँ। मैं अपर्णा अच्छा। ये गुरु नमस्ते ये सोनू ए बेटा आप हमारे साथ घर चलिए ओके चलिए अच्छा ठीक अरे चलिए चलिए आइए चलिए कम ऑन ए गुरु भैया आपके घर में लोटा है क्या लोटा हाँ लोटा हाँ बाथरूम इंतजाम हो जाएगा अरे अच्छा हुआ जब से हम आए हैं तब से गए नहीं है अरे पेपर देखते हैं तो दिल घबराने लगता है हमें काम करते हैं हम ये जो दाल भात है ना अच्छी तरह सान देते हैं आपके लिए और आप बिना एक दाना बर्बाद किए सब कुछ खत्म कर दीजिएगा समझे ना एकदम गुड बॉय हो ना 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 हम नहीं खिलाएंगे आप अपने आप पूरा खा लीजिए फिर हम आपको जाके चार मुंह वाले राक्षस की कहानी सुनाएंगे नो नो राम जी वो ये सब नहीं खा सकता नहीं खा सकता ना अरे का कोई दिक्कत है का भाऊजी वो नहीं खाएगा उठो तुम हम अभी तक खाना नहीं खाया मैं दूसरी प्लेट देती हूँ चलो हाथ धो लो आओ ठीक मैं सोनू के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ अरे भाऊजी आप बेकार मतलब का घबरा रही हैं सब बच्चा पार्टी का एक ही आदत होता है उनके सामने खाना रख दो तो इतना घबराते हैं नाटक करने लगते हैं ना कि मान लो उनके साथ कोई जुर्म कर रहा है लेकिन अगर उनको सचमुच भूख लगा हो ना तो उनके सामने आप प्लेट रख दीजिए तो दुहिये मिनट में गोदाम खाली सोनू बीमार है वो बाकी बच्चों की तरह नहीं है ना वो तो हम देखते ही समझ लिए थे फिर भी हम देखने की बात नहीं है ना राम जी सोनू अपना खाना खुद निगल तक नहीं पाता उसे तो मैं खिलाऊं तो सोनू सोनू थुको 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 गुरु गुरु अरे वो का थूकेगा अब तक तो आधा खाना हजम हो गया होगा हम कह रहे थे ना कि अगर भूखे बच्चे के सामने खाना ठीक तरीके से रख दो तो पूरा गोदाम खाली कर देगा क्यों सोनू बाबू सही कह रहे थे ना सोनू पूरा खाना खा लिया अपने आप ही खा लिया मतलब मैं एक मिनट किचन गई थी बस इसे अकेला छोड़ के क्यों गई तुम अरे मैं सिर्फ एक मिनट किचन गई थी गुरु हाँ। क्या खाया इसने अरे कुछ नहीं दाल चावल हम उनको सान के दिए थे सारा खा लिए और किसने कहा था आपसे ये सब करने को हम सोचे कि गुरु व्हाट इसने पहली बार खुद से खाया यू बिलीव इट ही इज फाइन अपू इस घर में सब कोई अप्पू अप्पू ही कहते रहते हैं आप भी अप्पू अप्पू कह रहे हैं ये बदमाश भी हर समय खाली अप्पू अप्पू ही कहते रहते हैं क्या बात है क्योंकि मेरा पेट नेम अप्पू है और ये बदमाश अप्पू के सिवा कुछ नहीं कहता है अच्छा अप्पू अप्पू क्या बेटर बी केयरफुल ऑफ गुरु भाई साहब हमसे खपाए का क्या नाम बताया राम जी कहता तो है कि सारे पेपर्स लेके आया था वर्क परमिट भी था उसके पास लेकिन जहाँ काम करने वाला था वहाँ ट्रेजरी हो गई सो उसके बाद ट्रेन में बैग चोरी हो गया इसलिए सारे पेपर्स भी
Do you believe him? लगता तो नहीं है कि वो झूठ बोल रहा है. So, Guru, do you want to help him? I... Guru, उसने सोनू की जान बचाई है. Well, let's see what we can do. कहाँ हैं भैया आपके बिहारी बाबू? क्यों रामजी? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे हमको तो ऐसा लग रहा है जैसे हम जन्नत में आ गए भाई. ये रसोई है या ताजमहल? सब कुछ इतना साफ सुथरा. अरे कोयला तो नजर ही नहीं आ रहा है. अच्छा लगा? अरे भाऊजी अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगा. ऐसा लग रहा जैसे हम घर पे आ गए हैं. वेरी गुड. गुरु और मैं बाहर रेस्टोरेंट में हैं. ये लोग तुम्हें काम समझा देंगे. ए भैया चूल्हा कहाँ है? ये माइक्रोवेव है, अंदर रखा, टाइमर लगाया, बटन दबा दिया. ठीक है, ये तो आसान है. और ये बड़ा ओवन है, इसके अंदर एक साथ बहुत सारी चीजें. अरे ये तो हम पहले एक बार देख चुके हैं. कद्दू बना रहे हैं का? अरे क्या हुआ? अरे अरे इतना सोडा काहे डाल रहे हैं, पेट खराब हो जाएगा. थोड़ा लहसुन पीस के डालिए, देखिए स्वाद कैसा निखर के आता है. मैंने आपसे पूछा खपा काहे हो रहे हैं? हम सिर्फ कह रहे हैं आपको. मेरे काम में दखल मत दो. अरे हम आपके काम में दखल नहीं दे रहे, जो सही है वही कह रहे हैं. एक बार करके तो देखिए. मुझसे तुम ज्यादा जानते हो क्या? बना के दिखाओ. अरे खपा काहे हो रहे हैं? बना के दिखाइए, बना के दिखाइए. अरे इसमें क्या, हम तो बना ही लेंगे. बना लो. रोज बनाते थे हम, दिखाएंगे ना आपको. ये देखिए, ये थोड़ा सा हल्दी ले लीजिए और इसको हम बनाइए. बनाइए मुझे क्या दिखाना है, तुम मुझसे बेहतर जानते हो. ठीक है भैया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लीजिए. ए भैया थोड़ा लहसुन पीस के ले आना जल्दी से. आज करवा ही देते हैं स्वाद की देवी का दर्शन. हैं क्या हुआ राम जी? क्या हुआ? अरे चाचा कह रहे थे कि खाना बना के दिखाओ, तो हम सोचे कि ताकि पूर का स्वाद इनको थोड़ा चखा दे. अरे आप भी थोड़ा चख के देखिए ना. लीजिए. अरे लीजिए लीजिए. अरे खाओ. अरे खाओ भौजी. एक मिनट यहीं रुको. अरे विज्ञान थोड़े है. लीजिए. नमस्ते गुरु भैया के दोस्त ने कहा, आप भी लीजिए. Jack, come on. Thank you. Taste this. Isn't it great? ये सब तुमने बनाया? अरे ये ही नहीं, और ढेर सारे पकवान हमको बनाना आता है. हम तो गुजराती खाना, मराठी खाना, मद्रासी खाना भी तो बनाते हैं. डोसा, उत्तपा और गोलगप्पा भी हम बनाते हैं. अरे गाजर का हलवा बनाते हैं बगैर शक्कर का. ए गुरु भैया आपका बावर्ची भी अजीब है. क्यों? साला रोटी भी मशीन में बनाता है. ए भौजी भौजी देखिए ना, अपना सोनू जो है अपने आप खाना खा रहा है. डिलीशियस फूड मान गुरु. सोनू को देखा तुमने? इतना खुश मैंने पहले उसे कभी नहीं देखा. आपको भौजी बोलता है. खुश है सब उससे. आई थिंक मैं पेपर वर्क शुरू कर देता हूँ. देखो कानूनी तौर पे फिलहाल उसे यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. वीजा वर्क परमिट मिलने में थोड़ा वक्त लग सकता है. ओके. मैं एम्बेसी में पेपर वर्क शुरू कर देता हूँ. फिलहाल अगर तुम चाहो तो उसे अपने घर पे मेहमान बना के भी रख सकते हो. लेकिन बिना वर्क परमिट के यू नो वो तुम्हारे रेस्टोरेंट में काम करता है, ये किसी को पता नहीं लगना चाहिए. ओके. यार इलीगल काम तो मैंने आज तक कोई भी नहीं किया, लेकिन अब पूर सोनू की खुशी देख के सोचता हूँ कि यू नो आई अंडरस्टैंड. लेट मी सी व्हाट आई कैन डू. बस इतना ध्यान रखो कि किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि वो तुम्हारे यहाँ काम करता है. दैट्स इट. गोरे गोरे लोगों से एक बंधन बंधन हो गया. अरे गांव के एक छोरे का दिल लंदन लंदन हो गया. दिल लंदन लंदन हाय हाय दिल लंदन लंदन.
आहज दिल लंदन लंदन हाय जी दिल लंदन लंदन आहज आह दिल लंदन लंदन हाय जी दिल लंदन लंदन अरे पूरब का पश्चिम से मागिब अरे पूरब का पश्चिम से कोई गठबंधन हो गया ओ दिल आहज दिल लंदन लंदन आज दिल लंदन लंदन हो गया दिल लंदन लंदन हर गांव के एक छोरे का दिल भरता तो चुगली करता था डरक खाया था दिल देश छोड़ा तो कितने दिन मेरे संग ना आया था दिल आगे भरता था चुगली करता था डरक खाया था दिल देश छोड़ा तो कितने दिन मेरे संग ना आया था दिल अब आ गया हायो मेरे साथी ये हो अब आ गया मेरे साथी ये परदेसिया दिल की घंटी बज गई दिल की घंटी बज गई हो दिल टन 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 हो गया दिल ये दुनियादारी अच्छी लगने लगी हर बासी ताजी सब्जी तरकारी अच्छी पकने लगी ये मारा मारी ये दुनियादारी अच्छी लगने लगी हर बासी ताजी सब्जी तरकारी अच्छी पकने लगी मेरी दाल तो आज गलने लगी ओ मेरी दाल तो हाय गलने लगी लाइफ में तड़का लग गया ओ, 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 ओ लाइफ में तड़का लग गया सब मक्खन मक्खन हो गया ओ दिल मक्खन मक्खन आए जे दिल मक्खन मक्खन आए जे दिल मक्खन मक्खन हो गया दिल मक्खन मक्खन अरे गांव का एक चोरे का दिल लंदन लंदन हो गया दिल लंदन लंदन आज दिल लंदन लंदन आज है दिल टन 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 आज दिल मक्खन मक्खन ओए गोरे गोरे लोगों से मेरे दिल की घंटी बज गई एक बंधन बंधन हो गया ए गुरु भैया बुलाए का वहाँ पे हमारा दाल जल रहा है अरे रुको भैया हाँ। ये लो ये तुम्हारी पहली तनख्वाह हाँ? अरे का कर अरे गुरु भैया ये हमारे गांव भिजवा दीजिए हमारे बहन के पास और ये हम रख लेते हैं इतने से पैसे का क्या करोगे अरे इसका अरे यहाँ पे एक बजरंग बली का मंदिर है और वहाँ पे कोई ध्यान ही नहीं रखता सोच रहे कि वहीं पे हम भेंट चढ़ा दें सोनू राम जी अंकल को पहली तनख्वाह मिली है पूछो पार्टी देंगे क्या अरे रे 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 सोनू बाबा तो बिल्कुल राजकुमार हैं बजरंग बली की दुआ से जब चाहे जश्न मना सकते हैं क्या ख्याल है बजरंग बली अरे तू बोलने लगा ए का बोला रे अरे बोलो ना का बोला कहा बोला रे सुनो अरे बोलो अरे बेटा कहा बोला जल्दी बोला रे कहा बोला बजरंग बली बजरंग बली अरे सुनो अरे इसको अरे ये बब्बर से तो बोलने लगा अबू इसको सुनो क्या बोला तू सुनो प्लीज सुनो बोल सुनो एक बार क्या बोला
सुनो प्लीज बेटा, अरे बोलो, एक बार बोलो प्लीज, प्लीज सुनो, सुनो प्लीज बेटा, प्लीज एक बार। अरे भगवान, बजरंग बली का लाख लाख शुक्र है। अरे अरे गुरु भैया क्या कर रहे हैं? सिर्फ तुम्हारी वजह से। अरे नहीं नहीं, ये सब तो ऊपर वाले की मेहरबानी है। तुम हमारी जिंदगी में खुशी लाए हो राम जी। अरे नहीं 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 भौजी, ये सब तो ऊपर वाले की पार्टी पार्टी उसको उस पर पार्टी उसको उस पर पार्टी पार्टी Excuse me darling, I need to brush my teeth. Look. Hi, Ramji. Hi. Well, listen, see, some people want to do it this way, and I just don't believe it. Hi. Sammy, you're looking sexy. Dano! Dano, Ramji! Apple! Who's my boyfriend? Apple! No, you! And who's your girlfriend? Apple! No, it's me! Apple cake. Oh my God! What? Did he say cake? Amazing! He said cake. Congrats! That's awesome. It's God's grace, Samita. It's like a miracle. Yeah. I know him. Another couple of drinks and he'll be sober. Hey, zada nahi. Zada nahi. I'm watching him. Take care. आए नेपाल में बाल रही है। अरे क्या हुआ? नमक चाहिए, खाने में कम है। अरे नमक बिल्कुल ठीक है, हम सोनू के लिए कम नमक वाला खाना बनाए थे, आप वो खा ली होंगी। अरे मुझे खाने में नमक कम लगा तो कम लगा। Can I have the salt please? देखिए अगर आपको नमक ज्यादा चाहिए ना तो अलग से ले लीजिए, हमारे खाने के बारे में अनशन मत कहिएगा। कपड़ों के बदले में चिंदी पहनी हुई है, आधी नंगी घूम रही है, हम कुछ कह रहे हैं क्या आपके कपड़ों के बारे में? Idiot, how dare you? तैर बैर तो आप कर रही हैं। लीजिए नमक चाहिए जितना चाहिए ले लीजिए, चाहिए बढ़िया ही हमारे खाने के बारे में बोलने वाली। कवार, चुड़ैल, सिली, बिल्ली। You're damn right. Ramji. Meet Ramji, the great chef from India. Namaste. Namaste. Meet Sammy, मेरी मंगेतर। हाँ? Hi. Hi Ram. कोई मजबूरी थी क्या? बचपन में भी तय हो गया था, पता कैसे बैठ गए इस औरत के साथ? धीरे बोल, काटती भी है। हाँ वो देख चुके। अरे प्रणाम प्रणाम, आइए आइए। राम राम बेटा, राम राम। तुम्हारी दादी मौसी मामा जी आए हुए हैं, बैठिए बैठिए। पार्वती का ब्याह के बाद देखा नहीं, साथ में थोड़ा दही चूरा ले आए। अच्छा किए, अच्छा किए। समधी जी ये तरबूज आप ही के लिए लाए थे। समधी जी तो अब तरबूजे लायक रह गए हैं। दामाद जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। गए हैं धूप में स्कूटर पर बदन सुखाते हुए देश दुनिया का हाल सुनाने। हेलो हेलो, हाँ हाँ राम जी। अरे खुश रहिए खुश रहिए, हमको मालूम है आप जवान के पक्का आदमी हैं। हाँ हाँ, जौन रुपया भेजे थे वो हमको मिल गया है। चुटकी, यहाँ से आसानी से लंदन में फोन लग जाता है क्या? भैया की है वहाँ से। पार्वती से पहले बात कीजिएगा। दुलाइन लो, राम जी से बात करो, लो आओ। हेलो। ए चुटकी। हाँ भैया। कैसी है रे? अरे तुम्हारा पेन से लिखा हुआ खत मिला, बहुत खुशी हुआ। पर आपकी तबीयत कैसी है? ना 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 ना, हमारी फिक्र मत करो, हम बिल्कुल ठीक हैं। अरे बहुत अच्छे लोगों के साथ हम रह रहा हूँ। सच भैया? हाँ बहुत अच्छे। और सुनो, हाँ? तुम अपना ख्याल रखो और हम जल्दी ही कुछ और पैसा भेज देंगे। सब मत भेजिएगा, अपने लिए भी बचा के रखिएगा और खाने पीने पर ध्यान दीजिएगा। याद है ना बाबूजी का बरसी आ रहा है? अरे हम कुछ नहीं भूले हैं, बिलायती पंडित को बुलाए हैं, आज ही हम मिलने वाले हैं उससे। सुनो वहाँ कितना बजा है रे? बस भोर हुआ है अभी।
गुड बाय। नल के नीचे? अरे क्या बात कर रहे हैं आप, बाबूजी का श्राद्ध न करवाना है? वैसे भी आप बिल्कुल डिजको न लग रहा है, पूजा पाठ का करवाइएगा? ये टोपी जैकेट जींस पैंटवा। वेट, का है? अरे इतना काफी है, मंत्र उच्चारण भी करूं। ठीक है ठीक है, लेकिन श्राद्ध नदी किनारे ही होगा, नल के नीचे नहीं। ठीक है ठीक है। हाँ, और श्राद्ध का सामान हम लेके आएंगे, आप ले आएंगे? आप ही ना ले आएंगे सामान? हम नहीं, आप लाएंगे, हमसे पूजा कराएंगे। Hello, Inspector. Hi. Hi. Business is good. New cook. Brings in a big Indian crowd. Oh, I wouldn't know. It's not my shop, mate. Come, would you like to join me? Thank you. After you. I'll tell you something. Mm-hmm. I arrested 9 people without papers. And 7 of them were Indians, right? I know, mate. 1 more and you'll get promoted. You know quite a bit, mate. I practice law. Care for a smoke? No, thanks. Excuse me. Guru, would you... Any problem? Usko shak ho raha hai. Ramji ko andar bheja. Subah bhi yahi aa jayega aur saath mein... Theek hai. Isse pehne ki zarurat nahi, abhi andar chale jao. Guru, kaha hai? Yep, coming. Are, Daroga ji aaye hain. Dekh rahe hain. Namaste. Namaste, Daroga ji. Kaise hain? You work here as the chef? Cheap. अच्छा चीप है का? ठीक है तो चीप दरोगा जी कह देते हैं। ठीक ठीक, तुम अंदर जाओ। तो पैर दबोचने की क्या जरूरत है? कुछ खाएंगे पिएंगे? Got your work papers, mate? पेपर? हाँ है ना, हमारे पास पेपर मसाला डोसा है, मिंट पेपर मसाला डोसा है और चीज पेपर मसाला डोसा है। क्या खाएंगे? No, permit. Work permit paper. अरे ये तो कुछ और ही पूछ रहा है। अरे गुरु भैया, ये सफेदा का कह रहा है? ये तुमसे कह रहे हैं कि अपना मुंह बंद करो और जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। दिस इज मिस्टर गुरु, ही ओन्स दिस प्लेस। वुड यू लाइक टू ईट समथिंग? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्वधि महेति। दिस ग्रिल इज ऑसम मैन। ओम नारायण नमः। ओम नारायण नमः। ओम केशवाय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम केशवाय नमः। Hey, what the hell are you doing? Car fire eruption here. It's a little free zone, yeah? This is not garbage. This is sacred things. He's doing rituals for his dead father. Give me 5 minutes. I'll finish my ritual. Ritual? Get the hell out of here. Get out. Looks like there's some trouble there. Let's go. Looks like there's some trouble. Why are you here? Let's go. Let's go. What are you saying, Pandey? What's the problem? It's a little free zone, yeah? Some respect. He's doing a ritual for his dead father. Now leave him alone. आप बैठिए, शादी में छोड़ना आपसे कौन होता है? हम प्रयास करके पिताजी की आत्मा को शांति पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर अशांति फैला रहे हैं बोर्डबक कहीं के। बात कर रहे हैं रामजी। अरे पंडित जी, अरे कहाँ जा रहे हैं? ओ पंडित जी, अरे बात कह रहे हैं, सुनिए। अरे सुनिए पंडित जी, अरे श्राद्ध नहीं खत्म करना बहुत बड़ा पाप है। अरे पंडित सर, यू हैव टू कम विद मी प्लीज। अरे हम कहां हैं पंडित जी, भाग गए? अरे हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं सर। अरे काय कर रहे भैया, अरे आपके देश में क्या पिताजी का श्राद्ध करना पाप होता है? अरे छोड़िए, अरे हम कुछ गलत नहीं कर रहे भाई। अरे कहां जा रहे हैं? व्हाट हैपेंड? I was sitting by the river side, slowly shouting my mantras. Then these gora choras, they come, beat their bad legs, and they kick on my balls. All 5 balls. All my father's. What? अरे राइस बॉल्स, राइस बॉल्स, they kick on my balls. अरे श्राद्ध के लिए जो लाया था ना, and you throw me. What do you do? ये कोई टाइम होता है का?
हाँ व्हाट डू यू डू अच्छा वो हाउ डू यू डू है का आई डू कुक यू नो गुरु साहब रेस्टोरेंट करी कॉर्नर आई कुक वेरी गुड फूड का वेयर इज योर वर्क परमिट वेयर इज योर पासपोर्ट एंड वीजा हाँ वही तो हम भी पूछ रहे हैं कि वेयर इज माय पासपोर्ट एंड वीजा यस यस दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग नो 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 आई आस्क यू वेयर साला इतना दिन हो गया चोरी के कुछ पता ही नहीं ढूंढ भी नहीं रहे हो अरे रिपोर्ट लिखो ना यार मेरा मुंह का तक रहे हो ढक्कन हमारा गांव होता ना तकीपुर साला अब तक हम चोर को पकड़ के बीच रास्ते में नंगा दौड़ा देते अरे आइए गुरु भैया जय भैया एकदम बुड़बक थोला है इसको कुछ समझाना तो हाथी को चड्डी पहनाने के बराबर है व्हाट डिड यू से व्हाट डिड ही से चुप रहो राम जी अरे इसे हम डरते हैं का आई सेड टू अंडरस्टैंड यू द एलिफेंट बेयर अंडरबेयर इजी व्हाट डिड द एलिफेंट कम फ्रॉम Officer, I have the papers for this man's release. I want this man's work permit papers, his passport and his visa on my desk tomorrow morning. Huh? Tomorrow morning? You mean Monday, right? You don't work weekends. All right, Monday morning, but they better be there and in order. Right, sir. All right, you can go. This man is so stupid. अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या जरूरत थी बोलने की कि तुम मेरे होटल में काम करते हो? अरे गुरु भैया हमको कहा पता था कि हमको ये सब नहीं बोलना है हमको उस अफसर को हम पर पहले से शक हो गया था कम ऑन अब खुद मरोगे और हमें साथ मरवाओगे अरे आप काहे मरेंगे अगर गलती हमारी है तो सजा हमको ना मिलनी चाहिए इनका क्या कसूर है धोरे रहता हमें पुलिस थाने में हमको काहे छोड़ा काहे छोड़ा हमको तुम्हें किसने कह दिया कि तुम छूट गए हो तुमको सिर्फ बेल पे छोड़ा है इन लोगों ने जब चाहे अंदर कर सकते हैं देखो भैया राम जी तुम एक बार ठीक से समझ लो अगर तुम्हारे पास तुम्हारा वीजा तुम्हारा काम करने का परमिट पासपोर्ट या कोई पहचान पत्र नहीं है तो तुम वैसे भी इस देश में मुजरिम हो और तुम्हारे पास इनमें से कुछ भी नहीं है और ऐसे आदमी को नौकरी पर रखने के जुर्म में मैं भी सड़क पर आ जाऊंगा यही कानून है तो हम क्या करें तुमने गड़बड़ कर दी राम जी किसी भी देश में ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का सिर्फ एक ही रास्ता है उस देश के दामाद बन जाओ वहां की लड़की से शादी कर लो जय थैंक्स जय बट आई नो दैट या लेकिन हम लोग यहां एक लीगल नहीं एक प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं कल सैटरडे है उसके बाद संडे है मंडे को हमें पेपर सबमिट करने पड़ेंगे उसके बाद कोर्ट लेगा 30 दिन शादी का सर्टिफिकेट देने के लिए ठीक है मान लो पेंटेकोस्टल चर्च में जाके हम लोग शादी करवा भी देते हैं लेकिन दोस्त शादी के लिए एक लड़की चाहिए तुरंत वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो बस थोड़ा पैसा खर्च हो सकता है पैसा मैं किसी भी तरह से मैनेज कर लूंगा यार बस मुझे इसमें से बाहर निकालो ये सारे लीगल पचड़े में फंसकर मैं अपना सब कुछ गंवाना नहीं चाहता जस्ट डू समथिंग मैं कुछ करता हूं तुम मुझे किसी और से शादी करने के लिए कैसे कह सकते हो तुम इसे बार बार शादी 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 क्यों कह रही हो It's just a technical agreement. Why do you have to be so unhappy about it? Unhappy? और तुम्हें इसे कोई फर्क नहीं पड़ता? पड़ता है, baby. पड़ता है. Of course पड़ता है. तुम क्या सोच रहे हो कि मेरे लिए बहुत आसान है? But मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि इस छोटे से agreement से कितने लोगों का भला हो सकता है? दूसरों का भला. पर मेरा क्या? मुझे उस अनपढ़ बावर्ची के साथ रहना पड़ेगा. उस गवार के साथ. पागल हो गई हो क्या सैमी तुम क्या सोच रहे हो कि मेरे लिए बहुत आसान है कि तुम किसी और के साथ रहो नो वे बेबी नो वे बट आई वाज जस्ट थिंकिंग कल सुबह तुम्हारे चर्च में शादी हो जाएगी उसके बाद वो अपने रेस्टोरेंट में और तुम वापस घर 3 महीने के बाद तुम दोनों का तलाक एंड देन एवरीथिंग्स बैक टू नॉर्मल यू मेक एवरीथिंग साउंड सो स्वीट एंड इनोसेंट तुम्हें अंदाजा नहीं है ये लड़की के लिए कितनी बड़ी बात होती है मुझे अंदाजा नहीं है मुझे थोड़ा ही कोई अंदाजा है मैं तो पागल हो गया हूं व्हाई एम आई स्क्रूइंग अप माय ओन हैप्पीनेस बिकॉज मैं किसी का भला करने को निकला फॉरगेट अबाउट इट आई जस्ट थॉट कि गुरु और अप्पू को जेल नहीं जाना पड़ेगा बेचारा सोनू बेघर नहीं होगा दैट्स इट बट फॉरगेट अबाउट इट इफ इट्स मेकिंग यू अनकंफर्टेबल जस्ट ब्लडी फॉरगेट अबाउट इट
You really want me to do this, Jay? Not if you're unhappy. अरे गुरु भैया, ये भी कोई हल हुआ का? समस्या का हल ढूंढने वाली बात अलग होती है और किसी को कुएं में ढकलने वाली बात अलग। अरे हम अपने गांव वाले को क्या जवाब देंगे? काम मुंह दिखाएंगे? अरे कुछ नहीं होगा राम जी, असली शादी थोड़ी ना है, सिर्फ 3 महीने की तो बात है। हाँ? असली शादी? अरे तो नकली शादी कहाँ होता है? ये कोई गुड्डो गुड़िया का खेल है का? देखिए गुरु भैया, हमको नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। अरे राम जी, 3 महीने के बाद तलाक दे देना, उसके बाद लड़की अपने घर और तुम अपने घर। तलाक? ये का नया कांड कर रहे हैं आप? तलाक दे दें? अरे बहुत बड़ा पाप है, वो लड़की का क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा उसे, वो सब जानती है। देखो इस अरेंजमेंट के लिए हम लोगों ने बहुत पैसा खर्च किया है, वो लड़की जानती है, उसे मालूम है, सब कुछ मालूम है, लड़की राजी है। का दे सब भैया कह रहे हैं कि पैसों के लिए राजी हो गई, अब पैसों की वजह से हमको तलाक देने से वो मना कर दी, तो हम तो फंस गए ना। ओ, ऐसा कुछ नहीं होगा राम जी, वो बहुत अच्छी लड़की है, वो मुझे जानती है, तुम्हें जानती है, हमारी मदद करने के लिए कर रही है भाई। हा? हमें जानती है? हाँ। गुरु भैया कौन है ये लड़की? वो समीरा। ओ, ओ। कौन? अपनी जाय भाई की उड़बी? यानी कि जाय भाई की उड़बी अब हमारी उड़बी बन जाएगी, और फिर तलाक के बाद हमारी उड़बी वापस जाय भाई की उड़बी बन जाएगी। हाँ। देखिए घड़ी घड़ी किसी के साथ ये उड़बी करना बहुत गलत बात है। देखो राम जी, हमारे पास बहस का कोई समय नहीं है, कल सुबह 6 बजे तुम्हें चर्च जाना है और शादी करनी है। चर्च? हम चर्च कहाँ जाएंगे, यहाँ मंदिर नहीं है का? वो मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया था राम जी, वो ये शादी जल्द से जल्द हो जाए इसलिए तुम दोनों को अपना मजहब बदलना होगा, क्रिश्चियन बनना होगा और चर्च में जाकर शादी करनी होगी। हे गुरु भाई, अब मजाक कर रहे हैं का? ये का कांड पे कांड किए जा रहे हैं? पहले कह रहे शादी कर लो, फिर कह रहे झूठी शादी है, फिर कह रहे तलाक दे दो, अब कह रहे कि मजहब बदल लो, ये कोई मजाक है का? देखिए बाकी सब ठीक है, लेकिन हम मजहब के साथ मजाक नहीं कर सकते, हम ठहरे बजरंगबली भक्त, नहीं बाकी मजहब को भी मानते हैं, जीसस क्राइस्ट बहुत बड़े भगवान हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन हम बजरंगबली को क्या जवाब देंगे ना? ये सब हमसे नहीं होगा, आपको जो कहना कर लीजिए, हम वापस जा रहे हैं। ठीक है जाओ, तुम जाना चाहते हो ना जाओ, लेकिन एक बात जान लो राम जी, मैं कभी तुम्हारी कोई मदद नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मैंने पहली बार अपने परिवार में इतनी खुशियां देखी है। हमारे बेटे के पैदा होने के बाद पहली बार मैंने अपनी पत्नी को इतना मुस्कुराते हुए देखा है, अपने बच्चों को इतना हंसते हुए देखा है, और अपने परिवार की खुशी के लिए हर इंसान को यह हक है कि वो जो कर सकता हो करे, और मैंने एक छोटा सा गैर कानूनी काम किया। तुम्हारे पास सही कागज नहीं थे राम जी, उसके बावजूद मैंने तुम्हें अपने घर नौकरी पर रखा, लेकिन अब नौबत यहां तक आ गई है कि अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो सब कुछ खत्म हो जाएगा राम जी, सब कुछ बिखर जाएगा, वो लोग मुझे जेल डाल देंगे, मेरी पत्नी को जेल में डाल देंगे और हमारे बच्चे को हमसे अलग कर देंगे राम जी, और इस सबसे बचने के लिए मुझे अगर हाथ जोड़कर तुम्हारे पांव पड़ के गिड़गिड़ाना पड़ेगा। गुरु भैया, गुरु भैया बहुत शर्मिंदा है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमका माफ कर दीजिएगा, पता नहीं कि हम अचानक इतना स्वार्थी कैसे हो गए, भूल गए कि आपने हमारी कितनी मदद की है। आप जो कहेंगे वो हम करने को तैयार हैं, जो करवाना है करवा लीजिए। In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Round the problem. Officer, you've got your job to do, and I've got mine. Papers on your desk tomorrow morning before 9:30.
Yes, may I help you? May I come in for a minute? Please do, certainly. Come in. Thank you. May I speak to Robert, please? Robert? Who's Robert? Your son-in-law? Ah, which one? No. Unless Samira's been a naughty girl. I don't think she's married. Ah, in that case, may I speak to Samira, please? Yeah, she's upstairs. She'll be down in a minute. In the meantime, can I get you a nice cup of coffee? Coffee would be great. Thank you. One coffee coming up. Who's Robert? No one. Excuse me, officer. Can I help you? What do you think you're doing? What do you think you're doing? What do you mean by that? How did a nice young lady like you get involved in something so illegal? I don't know what you're talking about, officer. Are you married to Robert? Yes. And does he live with you here? Yes. Well, Samira, your husband must be quite a man. Your grandmother's never seen him. Quite a marriage. Look, officer, I don't need to answer any of your questions. I suggest you speak to my fiancé. Lawyer. It's very unfortunate you got involved in this. If charges are brought, you will be implicated as well. Have a good day. Oh, and you better prepare for some visitors. Some immigration officials will be calling round this evening to verify your marriage. Thanks for the coffee. दो दिन पहले मैं आजाद थी और अब शादीशुदा। मेरी शादी एक ऐसे इंसान के साथ हो चुकी है जिसे मैं जानती तक नहीं और अब मुझे उसके साथ रहना होगा ऊपर से इमिग्रेशन ऑफिसर्स को ये यकीन दिलाना होगा कि हम वाकई में शादीशुदा हैं, वरना आई गो टू जेल तुमने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया जय आई कांट हैंडल इट किसी ने जबरदस्ती की थी क्या तुम्हारे साथ तुमने डिसाइड किया कि हाँ हम इनकी मदद करेंगे जब डिसाइड किया कि हम इनकी मदद करेंगे तो तुम आखिरी मोमेंट पे ये नहीं कह सकती आई कांट हैंडल इट हमें सिर्फ इतना करना है कि इमिग्रेशन ऑफिसर को यह कन्विंस करना है कि तुम दोनों की शादी असली है दैट्स ऑल उसके बाद एवरीथिंग गोज बैक टू नॉर्मल नॉर्मल हाँ नॉर्मल व्हाट एल्स आई कांट अंडरस्टैंड हम कानूनी प्रॉब्लम में हैं और उसका और कोई छुटकारा नहीं है हमारे पास गुरु एंड आई रियली अप्रिशिएट व्हाट यू आर डूइंग फॉर अस जय वो आई एम सॉरी लेकिन उन लोगों को यकीन नहीं हुआ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है पर उसको हम बाद में हैंडल कर लेंगे फिलहाल रामजी को समीरा के घर ले जाना ज्यादा जरूरी है इमिग्रेशन ऑफिसर्स के आने से पहले अगर कहीं ट्रैफिक में फंस गए ना तो बहुत गड़बड़ हो सकती है ओह अप्पू रामजी का सामान बांधो फटाफट प्लीज ग्रैनी ग्रैनी अरे बंद क्या है किससे बात कोई सवाल मत पूछिए मैं बाद में समझ रही हूँ कमाल के तौर तो ये हमारे साथ कुछ दिन रहेंगे आपको घर में बंद करके चली गई थी का कमाल है हमारे तकीपुर में बदमाश बच्चों को इस तरह बंद करके चले जाते हैं आप ही कोई बदमाशी की थी का कौन है तू अरे हमारा नाम रामजी है ना हमारा नाम रॉबर्ट है कल ही बदल गया आशीर्वाद दीजिए और आप सिर्फ दादी अच्छा ग्रैनी अंग्रेजी नाम है हो गया अच्छा रामजी तुम ऊपर जाकर अपना रामजी नहीं रॉबर्ट अच्छा रॉबर्ट तुम ऊपर जाकर अपने कपड़े अलमार में रखो तैयार रहो इमिग्रेशन ऑफिसर्स आते होंगे डॉक्टर ने मीठा खाने से मना किया है ना स्पिट इट आउट एकदम बदमाश दादी है स्पिट वो लोग आ गए अरे कौन इमिग्रेशन ऑफिसर्स अपनी गाड़ी पार्क करें जल्दी चलो अरे अभी हम कपड़े नहीं बदले अरे चलो अरे ठंडा लग रहा है भाई अरे हम कपड़े तो ठीक तरीके से पहन लिए होते ठीक है ये पहन लो अच्छा पैर ऊपर आराम से लेट जाओ पेपर पढ़ो ठीक है रिलैक्स करते हुए मुझे बुलाओ और दरवाजा खोलने के लिए बोलो समीरा जी दरवाजा खोल दीजिए जोर से अरे हम जोर से बोले या नहीं का फर्क पड़ता है आप दरवाजा खोलना चाहती है जाके खोल दीजिए ना I'll kill you जैसा बोली वैसा करो जोर से कहो come in darling open the door अच्छा come in darling open the door हाँ oh god help me का है one more thing अरे ये लो अपनी रिंग और जल्दी से पहन लो granny I'll open it hello we are from the immigration office darling
इमिग्रेशन ऑफिसर्स आए हैं, कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। He's just so tired. He's got back from work right now. I understand. I'm sorry. This won't take a few minutes. Oh yeah, sure. Please come in. Oh, thank you. After you. Honey, immigration officers. Thank you. Namaste, Vishambar Mehra. Namaste, Ramji. That Robert. That Robert? भाई इसमें तो सिर्फ नहीं रॉबर्ट 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 बैठिए ना बैठिए बैठिए प्लीज बी सीटेड ओके कंग्रेचुलेशंस ऑन योर वेडिंग हां मुबारक थैंक यू मिस्टर रॉबर्ट्स यू वर्स अ शेफ इन इंडिया का हां आप इंडिया में बावर्ची थे ना हां कुक कुक एंड यू स्टडीड अप टू ईयर 8 यस 8th पास बट भाई भाई In my village, only up to 8th class. Plus 2 means you go to town. My father said, no, you no go to town. You go to town means you drink BD. BD? BD, BD. You know BD? You know cigarette? younger brother. brown younger brother also. अच्छा ये बताइए, आप कुछ कम पढ़े लिखे हैं और आपकी पत्नी कुछ ज़्यादा पढ़ी लिखी है, तो आप दोनों का मेल कैसे हुआ? Love is blind, you know. no doctor for is blind also. हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन बताइए ना मेल कैसे हुआ? तुम बताना, हनी? हाँ, तुम ही बताओ ना, हनी? It was an accident. अच्छा एक्सीडेंट तो आप जरा विस्तार से बताएंगे ये एक्सीडेंट कैसे हुआ और कब ना ना अभी तक केस कोर्ट में है ना हम उसके बारे में नहीं बात कर सकते अरे हम संभाल लिए डार्लिंग अच्छा वो वाला कम इन डार्लिंग ओपन द डोर ठीक था ना क्या हुआ फोन बज रहा है फोन बज रहा है अरे दोनों घंटा एक ही टाइप का ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं हेलो जय बाथरूम कहाँ है हाँ बाथरूम कहाँ है कहाँ है फुटबॉल खेलना है हाँ अरे भाई जाना है हाँ उस रोक के नहीं रखना चाहिए हाँ उधर आ जाइए ना कहाँ चलिए बताते हैं हाँ चलिए अरे मर गए मर गए बाथरूम जो है हाँ यहाँ बाथरूम थैंक यू यहाँ हम बनाने वाले थे पर वास्तु की वजह से जो है सब गड़बड़ हो गया और फिर हमने सोचा कि बाथरूम जो है हम यहाँ बनाते हैं पर ये तो इतना बड़ा है कि हम नहीं बना सके तो सोचे कि क्यों ना हम बाथरूम जो है यहाँ बना देते हैं जाइए ना हमको भी आ गया अब नहीं जाना क्यों बस ठीक है तो हम चले जाते हैं अब मिल ही गया है तो थोड़ा इस्तेमाल कर लेना सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कोई बात नहीं देखिए हमारी ड्यूटी है इस देश में नकली शादियों को रोकना और हम यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि हमें आपकी शिकायत मिली थी और यहाँ के माहौल को देखकर लगता है कुछ हद तक ये शिकायत सही भी हो सकती है एनीवेज आप 2 हफ्ते बाद हमारे दफ्तर आ जाइएगा इंटरव्यू के लिए और उम्मीद करता हूँ आपकी शादी असली हो और हाँ प्लीज कम प्रिपेयर्ड दिस टाइम कम ऑन लेट्स गो समीरा Try and understand, baby. Abhi 14 din bache hain. We can fix this thing. Kaise fix kar denge, Jay? Aur wo bhi us gawar ke saath? You know it's difficult. Isme difficult kya hai? Bas ek choti si love story banani and that's it. Tumhe kya lagta hai? Wo log maan jayenge? Pehle hi un logon ko hum par shak hai. Ek baar ghar aa chuke hain. Hum par nazar rakhe hue hain. Aur tum keh rahe ho we can do it? Sammy, please try and understand, baby. हमें सिर्फ एक love story तो बनानी है। चलो, एक love story बनाई जाए। एक ऐसी love story जो इतनी आसान हो कि उस गवार को भी समझ आए। और वो वही कहे जो मैं कहूँ। बना सकते हो ऐसी love story? हे
Hey, I've got a great idea. अपनी लव स्टोरी सुना देते हैं। बस सिर्फ इतना करना होगा कि मेरी जगह उसको डाल दो। हमारी लव स्टोरी? या उससे आसान क्या हो सकता है? देखिए समीरा जी, माफ कीजिएगा, लेकिन अगर ये कहानी लेकर हम अफसर के पास गए ना, तो हमको फौरन गिरफ्तार कर लेंगे। क्यों? देखिए, अभी अभी आपने ये बताया कि वकील साहब आपकी कानूनी मुश्किलों को दूर करने के लिए 20 पाउंड प्रति घंटे लेते रहे, ठीक? अब पहले इनकी मुलाकात घर पे हुआ करती थी, फिर भक्त के चलते समीरा जी और इनकी मुलाकात कभी रेस्टोरेंट में, कभी सिनेमा में, कभी पार्क में होने लगा, और इनकी प्रेम कहानी आस्ते आस्ते बढ़ती गई, पर प्रति घंटे वकील साहब का मीटर चालू रहा। कुल मिला के यही हुआ कि आपसे प्यार में पड़ने के लिए वकील साहब पैसे लेते रहे। अब जो आदमी इतना पैसा लेगा वो प्यार भरी बात नहीं करेगा तो का नाराज करेगा? हाँ। देखिए समीरा जी, भले ही आपकी प्रेम कहानी सच्ची हो, लेकिन इसे कोई मानेगा नहीं। हम कोई और प्रेम कहानी के बारे में सोचते हैं। चिल्ला क्या रही हैं? चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं? ये झंडे जैसा क्या है मेरे बाथरूम में? ये क्या है? का है मतलब का? कच्चा है। तुम आदमी की साइज का नहीं पहन सकते हो? और ग्रैनी देखो ना, पूरे फ्लोर पर भी पानी ही पानी है। अब बाथरूम में पानी नहीं होगा तो और कहाँ पानी होगा? और हम अपना कच्चा कहाँ सुखाएंगे? यही ना सुखाएंगे, खिड़की के बाहर सुखाएंगे तो और झंडा लहराएगा। नहीं I can't handle you anymore. Just go. Jay, I really can't handle this man. I simply can't live with him. He's a jungle. उसने मेरे पूरे घर को बर्बाद करके रखा है। Calm down. पर हुआ क्या है? हुआ क्या है? अरे उसका एक अंडरवेयर मेरे खिड़की के पर्दे से भी ज्यादा बड़ा है। And you know what? Every time I go to the bathroom, उसका बड़ा अंडरवेयर सामने होता है। Jay, I don't care. And you have to do something about it. I have to rush now, okay? Bye. गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग रानी। बेटे नाश्ता कर लो। मुझे नहीं चाहिए, मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। लव यू। अरे 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 हर रोज ऐसा। अरे समीर जी का बैग कहाँ गया? वो तो गई। गई? हाँ। अरे उनके बैग में हम जूस का बोतल रखे थे, ढक्कन लेने गए थे। ढक्कन? हाँ। तो क्या मेरे बैग में जूस की बोतल क्यों रखी? अरे समीरा जी, आप रोज नाश्ता खाए बगैर चले जाती हैं। 6-8 घंटे कुछ नहीं खाएंगी तो पेट में अल्सर ना हो जाएगा। किसने कहा था ये सब कुछ करने के लिए? मैंने कहा था अपने काम से काम रखो, मेहमान हो मेहमानों की तरह रहो। ग्रैनी इसको समझा दीजिए वरना इडियट। हमने ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी? हम उन्हीं के बारे में सोच रहे थे ना। बेटा इस देश के लोग बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं और खुद अपना ख्याल रखना चाहते हैं, और अचानक कोई और उनका ख्याल रखने लगे तो परेशान हो जाते हैं और उनको शक की नजर से देखते हैं। समीरा भी तो वैसी ही है। नहीं, लेकिन तू गया काम से। डराने की कोशिश कर रही है का? अरे नहीं, बता रही हूँ, गुस्से में कभी कभी वो नाखून भी मारती है। बहुत बदमाश दादी हैं आप, इसीलिए आपको घर के अंदर बंद करके जाती हैं। अरे मनाने का तरीका बताएंगी या यूं ही डराती रहेंगी? तरीका तो है, पर मैं क्यों बताऊं, मुझे क्या मिलेगा? गाजर का हलवा खाएंगी, पसंद है ना? कोई फायदा नहीं, मैं नहीं खा सकती हूँ, मुझे मीठा मना है। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें शक्कर नहीं है, आप बिल्कुल खा सकती हैं, थोड़ा चख के तो देखिए। खाइए। कैसा लगा? मैं मर जावा। अब आए ना ऊंट पहाड़ के नीचे, पहले मनाने का तरीका बताइए फिर खिलाएंगे। अरे
तुम्हारे हाथ में जादू है और मुझे पूछ रहे हो बेवकूफ, आज रात को उसका फेवरेट खाना बना के खिलाओ, वो मान जाएगी, खास करके मछली। मछली? अरे पर हम तो शाकाहारी हैं। अरे देख क्या रहे हो, छूना ही पड़ेगा ना। नहीं नहीं नहीं, दादी माफ़ी करो, पकड़ो। जैकेट, अरे कहाँ, स्टैक्स ऑफ शर्ट्स, कहाँ ले जा रहे हैं? अरे टाई, अरे हमको कुछ नहीं खरीदना है। रुको रुको, ये क्या है? रामजी तुम एक बात समझने की कोशिश करो, अब तुम अपना गांव छोड़कर लंदन आ गए हो, लंदन वालों की तरह जरा रहना वहना सीखो, तुम वो पर्दे वाले कच्चे पहनना बंद करो। देखिए ये हमसे नहीं पहना जाएगा, अरे ये तो लेडीज का है। अरे भाई ये लेडीज का नहीं है, यहाँ पे सब लंदन में ऐसे ही पहनते हैं, ये देखो। अरे अरे क्या करे, क्या कर रहे? समीरा जी सुबह के लिए सारी, आइए ना खाना तैयार है, खा लीजिए ना। मुझे भूख नहीं है। सुनिए आपके लिए खास खाना बनाया है। अरे मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। अरे बेटी थोड़ा सा तो खा लो ना, रामजी ने आज पहली बार तुम्हारे लिए नॉनवेज को हाथ लगाया है। मैं खाना खा चुकी हूँ, मुझे भूख नहीं है, एंड प्लीज डोंट फोर्स मी। समीरा थोड़ा सा खा लो ना, उसने भी खाना नहीं खाया है। मैंने कहा था उसे नहीं खाने के लिए, मैंने कहा था ये सब कुछ बनाने के लिए, तो फिर ये नया ड्रामा क्या है? जिसको जब जो खाना है खा ले, किसी का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, दो हफ्ते की तो बात है, नया ड्रामा हर वक्त, गॉड। मेरा कमरा इतना साफ, कैन बी क्रैनी। हाँ बोलो, मैं पहुंच गई। तुम्हें कैसे मालूम कि मेरा फोन है? और कौन हो सकता है तुम्हारे सिवा? तुम्हें पता है क्या हो रहा है? बिहारी कच्चे सुखा रहा है क्या? अच्छा एक बात बताओ। पूछो ना। तुमने कभी मेरे लिए खाने पे इंतजार किया है? एक कप चाय भी बनाई है मेरे लिए? ये अचानक तुम्हें हो क्या गया है? कैंडल्स जल रही है, कमरा बिल्कुल साफ है, डिनर रेडी है। ही इज प्रूविंग टू बी एन आइडियल हस्बैंड। कुछ सीखो रामजी से। आइडियल हस्बैंड? हे हैंग ऑन, आर यू ट्राइंग टू मेक मी फील जेलस? मे बी। I'm just trying to tell you, I'm impressed. Impressed? बेवकूफी की बात ये है कि मैं नीचे ये कह के आई हूँ कि मैं तुम्हारे साथ खाना खा चुकी हूँ, and the truth is, I'm really hungry. तो खा लो ना बाबा। I think I'll do that. I'll see you in the morning, love. Bye. Bye. अच्छा लगा ना? ग्रैनी आप यहाँ क्या कर रहे हो? Actually, I'm sorry, मैंने झूठ बोला था, मैंने खाना नहीं खाया था। खाना भी बहुत अच्छा बनाता है। आप क्या खा रही हैं? गाजर का हलवा। क्या मीठा? डॉक्टर ने खाने से मना किया ना? बिना शक्कर का है, वो हेल्थ फूड भी बहुत अच्छा बनाता है। वो तो है, मगर इससे अच्छा फिश मैंने पहले कभी नहीं खाया। अच्छा गवार है, मगर खाना बहुत अच्छा बनाता है ना। धन्यवाद। हम सब कुछ सुन लिए, अगर खाना अच्छा लगा तो खुद ही हमसे कह देते। आ गया हो तो हम खा लें। भूख के मारे चक्कर आ रहा है। तुलसीदास सदा हरि जीरा कीजे नाथ हृदय मम दे। अरे भगवान ये हमसे का करवा रहे हैं आप?
हरीश ना, ये तो बहुत फर्क है रे। इतना टाइट है कि पहनने के बाद छील के निकालना पड़ेगा। कहाँ गया वो राम जी? अभी तक सैंडविचेस नहीं लाया। ग्रैनी, वो नौकर नहीं है। अरे मैं जानती हूँ तेरा हस्बैंड है, इसीलिए तो सेवा करा रही हूँ। आप नहीं सुधरेंगे, फॉरगेट इट। मैं क्या करूँ, वो मानता ही नहीं है। He loves cooking. Cooking. You know what? Ritz Hotel ने एक नया रेस्टोरेंट शुरू किया है, जिसके लिए उन्होंने कंपटीशन भी रखा है। आप कहे तो उसके गाजर के हलवे की रेसिपी भेज दे। जरूर, गुड आइडिया। क्या हुआ राम जी, वहाँ क्यों खड़े हो? हेलो, अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों चल रहे हो? कुछ नहीं। क्या हुआ राम जी? अरे मैं आपको नहीं बता सकते। अरे बताओ क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। एक मिनट राम जी, बताओ ना, बताओ तो सही। अरे आप तो बिल्कुल ही मत पूछे। आपकी वजह से जैसा सब हमको ऐसा कुछ खरीद के दे दिए हैं कि हमको लग रहा है जैसा हमारा कोई हिस्सा दलदल में फंसा हुआ है। हाँ 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 हाँ, हंसी इतना कस के हमारे कमर को जकड़ रखा है कि रंगोली डिजाइन हो गया हमारे कमर में। हाँ हंसी हंसी, हम क्या कर सकते। एक्सक्यूज मी, यस, अपना भिंडसर के लिए यहीं से बस मिलता है का? A3। अच्छा, आर यू न्यू टू लंदन? न्यू? हाँ हाँ, हम यहाँ नए हैं। आप यहीं रहते हैं का? Yeah, I live here close by. Where do you live? कहाँ रहते हो? हम भी यहीं रहते हैं पीछे। अपना समीरा जी को जानते हैं का? समीरा, that hottie from the travel agency. वो तो नहीं पता, लेकिन अरे अपने जय साहब है ना, उनकी मंगेतर है। जय? हाँ जय लायर। अरे बहुत अच्छे लोग हैं वो। जय कपूर? हाँ। लड़की का नाम क्या बताया? समीरा। जानती आप उनको? नहीं, बस उसे कहना जैसे बच के रहे। जैसे संभल के रहे, क्या मतलब है? आप जैसा को जानती हैं क्या? अरे वो बहुत अच्छे इंसान है। अच्छे इंसान है, इसलिए पिछले 4 साल से अपने बेटे की शक्ल तक नहीं देखी। बेटे की शक्ल? अरे नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है, ये कोई और जय साहब है, इनकी तो शादी भी नहीं हुई। जय कपूर लॉयर कोरे से बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, उनकी बीवी रह चुकी हूँ मैं। डाले साला राक्षस है, हम कह रहे हैं ना। अरे एको 4 साल का बेटा भी है जिसे वो मिलने तक नहीं गया है। ए देखो राम जी, जादू तुम धोखा किया है, वो पैसे के लिए शादी किया उस औरत के साथ, और जब पैसा खत्म हो गया माँ बेटे को बीच सड़क पर छोड़ के चला है। अरे हम कह रहे हैं ना, समीरा जी के साथ भी यही करेगा वो। अरे वो उनका पर्सनल मामला है। हाँ। तुम्हें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी उसने मदद की है ना तुम्हारी। मदद? अरे काहे का मदद, जो कुछ भी किया उसके लिए पैसे लिया है वो, उसे मदद नहीं कहते। और हम ये भी कह रहे हैं, जो पैसा आपने समीरा जी को दिया है ना, उसका एक टाका भी उस समीरा को नहीं दिया। अरे वो जो भी है वो, तुम अपने काम से काम रखो, असली पति नहीं हो तुम उसके, तुम्हें बचाने के लिए शादी की गई है, समझे? जानते हैं हम असली पति नहीं है, अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि हम चुपचाप हाथ में आते रहे बैठे रहे? राम जी, हेलो, खड़ी कौन? जस्ट मिनट, लो। हेलो, yeah, अरे बाबूजी, हाँ कैसे हैं? मुबारक हो, बड़ा बढ़िया समाचार मिला हमको। अरे सुने हैं कि वहाँ ब्याह शादी रचा के घर बसा लिए। बाकी अपना बहिन के घर बसाने के बारे में क्या विचार है? बाबूजी देखिए, माफ कर दीजिएगा, हम थोड़े उलझन में फंस गए थे, कानूनी चक्कर में पैसा कुछ ज्यादा ही खर्च हो गया था तो हाँ। देखो राम जी, जितना जल्दी हो सके इंतजाम कर लो, सबके लिए अच्छा रहेगा। बाबूजी,
Honey, I have Come on, Sam. Even I gotta go in the morning, baby. Come on. You gotta listen to me. Please, just go. चलिए बाहर चलिए. सुना नहीं उन्होंने कहा कहा चलिए बाहर चलिए. Oh. अरे बाहर चलिए. दरवाजा उस तरफ है. अपने से समझ जाइए वरना समझाना हमको अच्छी तरह आता है. क्या हो गया भाई? कुछ दारू वारू पी लिए क्या? पी तो नहीं है लेकिन उतारना अच्छी तरह हम जानते हैं. चलिए बाहर निकलिए. राम जी. आप रहने दीजिए समीरा जी. तो वो तो कौन है भाई मुझको घर से निकालने वाले? इनके पति. पति? नकली पति. अरे असली कौन है नकली कौन है? अच्छी तरह जानते हैं. चल बाहर निकल. चल बाहर निकल. खबरदार जो वापस आए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा. समझे? तुम्हारे हम तुम्हारे देश के तौर तरीके नहीं जानते लेकिन हमारे देश में औरतों की इज्जत करते हैं. उन्हें हम देवी बुलाते हैं और अगर हमारे सामने उनके साथ कोई धोखा करे ना तो घुमा के मारी साले. तेरी साले तू समझता क्या है? वेरी स्मार्ट. सॉरी मुझे मियां बीवी के बीच में नहीं आना चाहिए. सॉरी. गुड थिंकिंग राम जी. गुड थिंकिंग. पगलाया हुआ है का? Get out right now! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जानते हो कौन है? मेरा मंगेतर. और तुमने उसे? देखिए समीरा जी, मैं जय के बारे में ये कहना चाह रहा था कि जय के बारे में तुम मुझे बताओगे? बताओ, क्या बताओगे? जय के बारे में तुम ऐसा क्या जानते हो जो मैं नहीं जानती हूँ? 4 साल से जानती हूँ मैं उसे, और तुम? सिर्फ 4 हफ्तों से. जस्ट गेट आउट. गेट आउट. हेलो. हाय लव. गुड मॉर्निंग.
गुड मॉर्निंग। जरा राम जी को फोन देना। राम जी? हाँ राम जी। उसको मैंने घर से निकाल दिया। पर क्यों? ये तुम पूछ रहे हो? कल रात उसने इतनी बदतमीजी की, फिर भी तुम्हें क्या लगा कि वो सचमुच मुझसे बदतमीजी कर रहा था? No way! बाहर पुलिस वाला नजर रख रहा था। पुलिस? अगर वो हम दोनों को ऐसे देख लेता तो we could have been in a problem। राम जी ने मुझे बताया क्यों नहीं? बताया नहीं मतलब? तुमने उसको बताने का मौका ही नहीं दिया होगा। Oh God! I need to apologize। मैं पता करती हूँ कहाँ है। I'll call you back, okay? Okay, बाबा, keep me posted. Yep, bye. क्या? तुमने राम जी को घर से निकाल दिया? God. तुम्हारा दिमाग खराब है समीरा। Granny, it's a long story. I'll just explain it to you. Please, one second. Hello? Hello? Appu. Hi, Samira. Ramji hai? Oh, okay. No, not to worry. I'll call you back. Take care, yeah? Bye. Samira? Samira! राम जी, पार्वती, आप यहां क्या कर रही हैं? राम जी, I'm really sorry. ना समीरा जी, गलती तो हमारी ही है. हम तो ये भूल ही गए थे कि हमारे बीच में सिर्फ 6-7 हजार मील का ही फर्क नहीं बल्कि 6-7 पीढ़ियों का फर्क है. हाँ पर हमारे गांव में अगर कोई लड़का किसी लड़की का बांह पकड़ लेना तो सारा गांव मिलकर उन दोनों को ब्याह करने पर मजबूर कर देता है. लेकिन आप तो सब कुछ जानते हुए भी जायज साहब के साथ. देखो राम जी, इसके बारे में बाद में बात करते हैं ना. तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है. हमारी तबीयत को क्या हुआ? हम तो वैसे ही जैसे थे. अगर आप बात नहीं करना चाहते तो बात अलग है. राम जी, आज काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं है. बीमार हो, कल ठीक हो जाओगे, फिर दिन रात काम कर लेना. अरे समरा जी, हम बिल्कुल ठीक हैं. हमारे बारे में मत घबराइए. ग्रैनी, why don't you stop him? How can I stop him? तुम उसकी बीवी हो, तुम उसे रोको ना. अरे सुनिए दादी माँ, ये मियाँ बीवी के ड्रामा पे कुछ ज्यादा ही जोर दे रही हैं आप. हम बिल्कुल ठीक हैं. हम मिलते हैं. राम जी सुनो तो. अजय बजरंग बोली, बताइए हम क्या करते हैं? अरे उनको तो सब मालूम है, हमको ही कुछ नहीं पता था. खाम का उनके मामले में दखल देने लगे. समीरा को सब पता है? Are you sure? हाँ, sure. मालूम ही नहीं बल्कि उनको इन सब बातों से कोई दिक्कत भी नहीं है. अब उनकी जिंदगी है, जैसा जीना चाहे वो समझे. क्या हुआ? थोड़ा कमजोरी महसूस हो रहा है. You've got fever. ना हम ठीक हैं. खड़ा हुआ नहीं जा रहा. तुम ठीक कहाँ से हो? चलो मेरे साथ. छोड़ी ना बस आता. चलो अभी घर चलना है. We'll take it to a doctor. चलो मेरे साथ. समीरा. Hey Granny, there's good news. Guess what? रामजी की रेसिपी सिलेक्ट हो गई है. ऑर्गेनाइजर से लेटर आया है. मैंने सारी फॉर्मेलिटीज भर दी है. समीरा तुम घर पे जल्दी आ सकती हो? रामजी की तबीयत खराब हो गई, उसे काफी टेम्परेचर भी है. डॉक्टर को बुलाया? Just give him the medicine I prescribed. Okay. He should be okay by tomorrow. Thank you, doctor. Take care, young man. अच्छा प्रणाम. कह रही थी? वो कह रही है अपना ख्याल रखना, कल तक ठीक हो जाओगे. ख्याल कैसे नहीं रखेगा?
अब तो रामजी को ठीक होना ही पड़ेगा। कंपटीशन की तैयारी जो करनी है। हाय। पूरे 100 pounds खर्च किए तुम्हारी एंट्री फी पर। अरे। कंपटीशन के फाइनल्स तक पहुंचे हो। कांग्रेचुलेशंस। वाओ। भाई अप्पू अब तो अच्छे सी रस्सी में फटाफट सीख लो रामजी से, क्योंकि ये तो कंपटीशन जीत जाएंगे, उसके बाद बहुत बड़े शेफ बन जाएंगे और उसके बाद हमारे हाथ नहीं आने वाले। अरे काहे मजाक कर रहे गुरु भैया, हमको तो ऐसे ही अफसोस है कि आज हम छुट्टी ले रहे हैं। तुम जल्दी से बस ठीक हो जाओ, सोनू को कहानी कौन सुनाएगा? अरे कहानी तो हम बनकर रह गए हैं। तुम लोग यहाँ तो रेस्टोरेंट पर कौन होगा? अरे कोई नहीं होगा, इसलिए तो हम कह रहे हैं गुरु भैया हम भी साथ में चलते हैं। चलो चलो चलो, यू गाइस गेट बैक टू वर्क। सोनू अकेला होगा, यहाँ मैं संभालूं। ओके बाय। आई शुड बी थैंकिंग यू। टेक केयर। बाय बाय सैम। अरे भूल गए, हमको भी थैंक यू बोलना चाहिए था। राम जी, तेरी बस स्टॉप वाली फ्रेंड दवाई लेके वापस आ गई है। गुड कॉल। हाय हाय, अब कैसे हो राम जी? हाँ ठीक ठीक, ये रहे मेडिसिंस। अरे आई विल टेक इट, थैंक्स। बहुत बात करता है तुम्हारे बारे में। रियली गुड और बैड? मोस्टली गुड। व्हाई डोंट यू सिट डाउन? या श्योर, बैठे ना। एंगेजमेंट के लिए बहुत बहुत बधाई। आई होप यू एंड जय हैव अ गुड लाइफ टुगेदर। ओह थैंक यू सो मच। आप जानती है जय को? अरे आर नहीं तो का, बिना जाने ही जय भाई से शादी कर लेती। क्या? अरे नहीं नहीं, ये सब कुछ जानती है। समीरा जी यही अवनी जी हैं, हमारे जय साहब की पहली बीवी। आप तो कह रहे थे कि आप सब जानती हैं। कल रात को ये तो हम कहने की कोशिश। कुल मिला के ये हुआ कि आपसे प्यार में पढ़ने के लिए वकील साहब पैसे लेते रहे। अब जो आदमी इतना पैसा लेगा वो प्यार भरी बात नहीं करेगा तो का नाराज करेगा। इंश्योरेंस, एक्सक्यूज मी। यस सैम, 9 o'clock मस्ती। या ओके। समीरा, जो भी करना है सोच समझ के करो, दिल से नहीं, दिमाग से काम लेना, समझी? ओके गो बेटा। राम जी कम, गो गो। मैं जाऊं? गो 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 विद द गो। समीरा लिसन, डोंट टच मी। देखो अवनी एक भूल थी और जैसे मुझे उस बात का एहसास हुआ, आई एंडेड इट। ओ तो अवनी वाज अ मिस्टेक। और ये एहसास कब हुआ? शादी के कुछ साल बाद। राहुल पैदा होने से पहले या बाद में? राहुल? राहुल मेरा बेटा नहीं है। अच्छा तो राहुल तुम्हारा बेटा नहीं है। Don't insult my intelligence, Jay. God, you make me sick. मैं यहाँ आने की हिम्मत सिर्फ इसलिए जुटा पाई क्योंकि मुझे लगा कम से कम आज तो तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। But you're such a bastard. मुझे अपने आप से घृणा आती है कि मैं तुम्हारे जैसे आदमी के इतनी करीब आई।
जिसने पिछले 3 साल से अपने बेटे की शक तक नहीं देखी। वैसे कितना वक्त लगेगा तुम्हें ये जानने के लिए कि मैं भी एक फूल हूं? तुम गलत समझ रही हो। If you have any self-respect, you'll never come near me again. ऐसे बेशर्म आदमियों को कुछ नहीं होता। इतना सब कुछ होने के बावजूद धमकी देकर गया है। धमकी? हाँ, कि मुझे जेल भिजवा देगा और रामजी को कंट्री से बाहर फेंकवा देगा। अरे ऐसे कैसे फेंकवा देगा? गुरु भाई से इतना पैसा जो लिया है। पैसा किस बात का? अरे हमको और गुरु भाई को इस कानूनी झमेले से बाहर निकालने का। कह रहा था कि सारा पैसा आपको दे देगा। What a bastard! बेटी, उसकी धमकी को लाइटली मत लेना। वो कुछ भी कर सकता है। बेटी, इस सब से बचने का एक ही तरीका है। अगर तुम दोनों इमिग्रेशन इंटरव्यू में ये प्रूव कर दोगे कि तुम्हारी शादी असली है, तो जय ही नहीं कानून भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, और वही जय के लिए सबसे बड़ी हार होगी। अब तुम्हें एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए। 12-13 साल की थी जब बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता था। अरे बाप रे, बहुत बड़ा कप है। ये उसके बचपन की फोटो है जब उसे नहाने से एलर्जी थी। दादी ये मत दिखाओ। हाँ हाँ मत दिखाइए मत दिखाइए। नहाने से तो पता नहीं, लेकिन कपड़े पहनने से आज भी एलर्जी है। अरे अरे हम मजाक कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। उनका बाइक का नाम है BMW C1। ये सब भी जान लेना जरूरी है का? धत समीरा जी, आपका साइज का है? 34B। 34B? अरे का कह रहे हैं, वो तो हाथी का साइज है, हैं? हाँ? अरे हमरे गांव में तो ज्यादा से ज्यादा अरे 6 या 7 होता है। ई का साइज बता रही हैं आप? 7। Are you sure about this, Mr. Kapoor? Yes, I'm sure. I'm sure we'll get enough evidence to nail them. Let's do it. We might get something. वापस आता हूँ सालों को। पिताजी का नाम था हेलो। हाय सैमी, तुम अब तक गुस्सा हो? जे थैंक गॉड तुम बात तो कर रही हो। मुझे लगा कि तुम कभी मुझसे बात नहीं करोगी। प्लीज फॉरगिव मी समीरा, आई रियली लव यू। जलेबी बना रहे हमारे बच्चे रिकॉर्डिंग कर। समीरा मुझे माफ कर दो, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। मैं और नहीं रुक सकता हमारी शादी के लिए। शादी? बच्चे? मेरी शादी हो चुकी है जय। What rubbish! उस गवार से? ये शादी उसे सिर्फ लॉस से बचाने के लिए हुई है, रिमेम्बर? और हाँ हनी, वो पैसा जो तुम्हें शादी के लिए मिला है ना, वो सारा मैंने हमारे जॉइंट अकाउंट में डाल दिया है। पैसे ना, तुम जब चाहो उसे निकाल सकती हो। ओके, वो नहीं लिए, हम हथकड़ी पहना के ले जाएंगे। और जब ये खत्म हो जाए, नहीं नहीं, तो तुम उस बिहारी को तलाक दे देना। हाँ पैसा नहीं, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। मैं बहुत बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? किस पैसे की बात कर रहे हो तुम? I don't understand you. Listen, Samira, don't play games with me, I'm telling you. Please, Jay. मेरी शादी हो चुकी है और इस वक्त रामजी मेरी गोद में है। प्लीज डोंट डिस्टर्ब अस। व्हाट? तुम्हारी गोद? कम इन डार्लिंग, ओपन द डोर। तुम किससे बात कर रही हो हनी? अच्छा अच्छा, कोई नहीं डार्लिंग, जय से बात कर रही हूँ। अच्छा जय भाई साहब, अरे का कोई खास बात है का? जब मियाँ बीवी बिस्तर पर लेट कर प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हो ना, तो बीच में दखल नहीं देना चाहिए, का ख्याल है? ए, ए, बिहारी, खबरदार तूने समीरा को हाथ भी लगाया तो आई किल यू। जय भाई साहब को का हुआ, दारू सारू पिए का? अरे हनी, हमरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा मालिश कर देंगी का? क्या कर रहे हो तुम लोग वहाँ पे? Of course, sweetie, शर्ट उतार कर लेट जाओ।
और मुझे क्या मिलेगा? जो मैं आपको रोज देता हूँ। ओ बेबी कम यू फास्ट। यू बास्टर्ड्स, यू गोना पे फॉर दिस, आई एम टेलिंग यू। यस। पता नहीं कहाँ का सपना देख रहा होगा। तुम बहुत बदमाश हो राम जी। तो आपका कम है, आपके हाथ में देखिए ना निशानी हो गया अभी तक। बेचारा। कॉफी भी हो गया? क्या बात है, आज आप कॉफी बनाएंगी, ये तो देखने लायक होगा। शट अप, पता नहीं तुम्हें अच्छी लगेगी या नहीं। हमारी ये हिम्मत कि काफी आप बनाए और हमें पसंद आए। हम कह रहे थे और क्या क्या होता है तुम्हारे गांव में? अरे अगर हम ऐसे कपड़े पहनकर गांव में निकले ना तो कुत्ते काटने को दौड़ेंगे। मेरे सारे दोस्त कहेंगे देखो हीरो आ रहा, हीरो। और यहाँ की लड़कियों की तरह वहाँ की लड़कियाँ पहने ना कपड़े तो बस मेला ही लग जाएगा। कपड़े देखने के लिए ना? कपड़े होते कहाँ देखने के लिए राम जी। ना सच है। वैसे मुझे लगता है हमें ये पहन लेनी चाहिए इंटरव्यू के लिए। आपका हम पहना देते हैं। हमारा लिए धन्यवाद। जुगनू आंखों से टपके खुशबू सपना है या जादू जानू मैं ना जाने तू। देखो अरे हमारे गांव में सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होता। अरे मुझे पार्वती के बारे में बताओ ना। अरे गांव में हमारी बहन पार्वती है, पार्वती के बारे में क्या बोले, बहुत नाटकट है। हाँ अनजान तो कुछ भी नहीं होता। तुम ठीक कह रहे हो। Choo-choo.
जा दुल्हन जा, अब हम हाथ जोड़े तो उसे माफी मांगे जा यहाँ से। देखो पार्वती, अब बात पैसे की नहीं है, अब सबूर का कागज भर चुका है। तुम्हारा रामजी भाई हमको बहुत बुरबक बनाया, खुद वहाँ बिहार रचा लिया और तुम्हारा घर उजाड़ दिया। बाबूजी, ऐसा मत करिए, हमारी बात तो सुनिए। देखो पार्वती, अब कोई चारा नहीं है, इसके पहले कि हम असभ्य बने, तुम्हारे साथ कोई दुर्व्यवहार करें, तुम हमको माफ करो और जाओ यहाँ से। अरे हद है बेईमानी का, वादा करे रहे टाइम पे पैसा भेजने का। रामजी को फोन किया तब हूँ, अकेल नहीं आया। हेलो जी, रामजी से बात करना था। जी वो घर पर नहीं है। और आप? भाभी, पार्वती, आपको कैसे पता कि हम बोल रहे हैं? जो रामजी को जानता है वो तुम्हें कैसे नहीं जानेगा, वो तुम्हारे बारे में कितनी बातें। जी रामजी से बात करनी थी। पार्वती, सब ठीक तो है ना? मुझे कहो, समझो तुम रामजी को बता रही हो, बताओ। घर से निकाल दिए हमको, रात को बाहर खड़े, डर भी लग रहा है, ऐसे में पटना फोन किए उनको तो हमरा आवाज सुन के रख दिए। हम बोलते रहे कि जरा सा देरी तो हुआ है, राम जी मेहनत तो कर रहा है, लेकिन हमरा बात नहीं सुने। हम तो सोच रहे थे कि मर जाए, ये सब झंझट को खत्म करे, लेकिन पप्पू हमको बचा लिए। पप्पू हमरा राम जी के बचपन के साथी। हम लीजिए, खुद बात कर लीजिए पप्पू से। नमस्ते। तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। तुम पार्वती का साथ दोगे? चाहे कुछ भी हो जाए, आज के बाद उसकी आंखों में आंसू कभी नहीं आने देंगे। उससे शादी करोगे? बोले ना, हम चाहे कुछ भी हो जाए दुखी नहीं रहेगी, अब जिंदगी भर साथ निभाएंगे। पर राम जी, उसकी चिंता तुम मत करो, पार्वती को फोन देना। देखो पार्वती, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो राम जी जीते जी मर जाएगा। तुमने मुझे भाभी कहा है तो अब मैं जो कह रही हूं वो ध्यान से सुनो। Hello, Bank of London? Bank of London Customer Services? Yeah. What can I do for you, ma'am? I just need to get some money transferred to India. Yeah, sure. Could you give me some details? Could you brief me on that? Yeah, sure. But that's impossible. I mean, how can that be? Well, that's what it says here, sir. What seems to be the problem, sir? Look, I have a joint account in your bank, but this gentleman says there's no money in my account. How's that possible? It's very simple, sir. Your partner's withdrawn all your money. There's nothing we can do, sir. Shit! Dhoka diya tumne mujhe! I love you so much, and you ditched me for that bloody gawar. छोडूंगा नहीं मैं तुम्हें, और इस साले रामजी को भी नहीं छोडूंगा। मुझसे क्या कर लेता है? जेल भिजवा के रहूंगा मैं, तुम दोनों को जेल भिजवा के रहूंगा। देखना, मैं कल सुबह जाके इमिग्रेशन वालों को बता दूंगा कि सच क्या है। इन दोनों ने मिलकर मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था गुरु। और शट अप जाए, धोखा दे रहे थे तुम मुझे, समीरा को, हम सबको। जो भी कुछ तुमने किया सिर्फ अपने मतलब के लिए किया, और मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता रहा जाए। मैं सोच भी नहीं सकता था तुम ऐसा करोगे। ओह, इस साले बावर्ची के लपेटे में तुम भी आ गए। गुरु, डोंट फॉरगेट कि अगर मैं चाहूं तो मैं तुमको भी जेल भिजवा सकता हूं।
जेल भिजवाने की बात तो तुम ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि अगर मैं चाहूं तो तुम्हें अभी इसी वक्त हथकड़ियां पहना सकती हूं। तलाक के बाद 3 साल से राहुल की परवरिश और मेरे खर्च के लिए तुमने फूटी कौड़ी तक नहीं दी। मुझे तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी इस गुनाह के लिए तुम्हें जेल भिजवाने से पीछे नहीं हटूंगी। जय, क्या कर रहे हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? और कितना नीचे गिरोगे तुम? कितना नीचे गिरोगे? My life is finished. It's over. Sorry, everybody. I'm really sorry. Samira ji. हाँ? समीरा पैदा हुई थी मिडिल सेक्स में। या? मिडिल सेक्स सही कह रहा हूँ ना? हाँ, मिडिल सेक्स है, सही बोल रहे हो। कैसा नाम है? एकदम गंदा नाम है, हिजड़ा नाम है मिडिल सेक्स। छोटा इमाम बड़ा, गांव तकीपुर, डिस्ट्रिक्ट पूर्णिमा। पूर्णिमा? पूर्णी या समीरा? Oh, not again. उनके पिताजी काम करते थे हुवर कंपनी में। उनके पिताजी और माताजी का देहांत हो गया एक कार एक्सीडेंट में 1993 में। गांव तकीपुर, दोस्त का नाम? प्रकाश कुमार। समीरा जी की माँ का नाम अखंडवती, अरुंधति। राम जी, फोन लग गया तुम्हारा। अरे कहाँ फोन लग गया? लगी। हेलो, अरे पप्पू को बुला के नहीं? अरे नहीं, ये पप्पू हमको माफ कर दीजिए राम जी। ए पप्पू छोड़ ना रे। ना राम जी, आपको खराब लगा होगा, लेकिन और कुछ नहीं सूझ रहा था। पूरा गांव सब तरह तरह की बातें करने लगा था। इतना कैसे सुने पार्वती के बारे में? अकेले कैसे छोड़ दे उसको? भाभी से सलाह ले ली और उनके हुक्म से पूरे गांव के सामने पार्वती के साथ फेरा ले लिया। अगर आपको लगता है हम कोई गलती कर दी है तो माफ कर देना। अरे माफी तो हमको मांगनी चाहिए रे, तुमसे और पार्वती से। हम ही समझ नहीं पाए ना, हम समझना नहीं चाहे। पप्पू हमको माफ कर दे रे। फिर आप पार्वती की चिंता छोड़ दे, हम हैं, पूरा गांव आपकी तरफ आस लिए हुए बैठा है। बढ़ते रहिए, सबकी दुआ आपके साथ। और इतना नाम कमा कर लौटिए कि पूरा इलाका मां हमारे गांव का नाम रोशन हो जाए। और जब आप लौटे तो पूरा गांव छाती तान कर गर्व से कहे, ई है हमारे राम जी, ई है हमारे राम जी। ठीक है, ठीक है। अरे कहाँ लगा रहे गुरु भैया, ये कंट लंगड़ बहुत कौन है? अजय कपूर है, इनके वकील और फैमिली फ्रेंड। सही कह रहा हूँ ना? हाँ, घड़ी रिंग पहना है कि कौन की दिस? हाँ ठीक है, स्कूल का ग्रानी माँ जल्दी फाइल ले आइए। अरे ले आइए भाई, ये लो तुम्हारी फाइलें। हाँ सुनिए, हम आपके लाल फाइल ले रहे हैं, ये काला हमारा है। अरे ले चलो चलो बंद कर, बाय ग्रानी माँ। चलो चलो हमारी। अरे कम ऑन, थैंक गॉड। राम जी तुम्हें सब याद तो है ना? अरे आप बिल्कुल मत घबराइए, हम संभाल लेंगे। वैसे आपका माँ का नाम अनुमति था ना? अनुमति नहीं, अरुंधति। अरे मजाक कर रहे हैं, हमको सब याद है। जाइए तुम नान से। सर राम जी, यू कैन सिट इन हियर। अच्छा, यहाँ पे। दैट्स राइट, यू कैन गो इन। वो ऑफिसर्स देख रहे हैं ना? हाँ। इसलिए। हाँ। नहीं तो उन्हें शक हो जाएगा।
उनका फेवरेट परफ्यूम का नाम राम जी। नमस्ते भाई साहब। बैठो 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 बैठो। थैंक यू। कैसे हो? हाँ ठीक है, बिल्कुल। ओके मिस्टर रामजी, फॉर इंफॉर्मेशन दिस कन्वर्सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड। अच्छा ठीक है। क्या कह रही? ये कह रही है हमारी बातचीत इसमें रिकॉर्ड हो रही है। ओके रेडी? आपका नाम? राम जी। पूरा नाम? राम जी रामनारायण तिवारी। उनका लंदन कैसे आना हुआ? नौकरी के सिलसिले में। कैसी नौकरी? बावर्ची हूँ, खाना बनाता हूँ। आप एक ट्रैवल एजेंट और वो एक बावर्ची? तो तुम दोनों कैसे और कहाँ मिले? एक्चुअली घर में एक कमरा खाली था, मैंने सोचा आप क्यों ना एक पीजी रख ले। हम उनके घर पहुँच गए। अच्छा, और वो पीइंग वाला गेस्ट बन गए। बहन का नाम? पार्वती, बहुत प्यार करता है उससे। What's her shoe size? Shoe size is 7। पहली बार हम उनके जूते का साइज पूछे ना, तू कहे 34 और फिर बाद में पता चला कि 34 तो उनका उनका शू साइज है 7। शादी करने में इतनी जल्दबाजी क्यों की? What? हाँ, 2 दिन में। ग्रैनी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। ग्रैनी कुछ माने को तैयार ही नहीं थी, कहने लगी मरने से पहले हम दोनों की शादी देखना चाहती है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें अपनी पत्नी की कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई? देखिए बचपन से ही बहुत इंडिपेंडेंट रही हैं, अकेले ही अपने पूरे फैमिली का ख्याल रखी हैं, ठीक हमारी तरह। What really drove me towards him was his innocence, his simplicity. बाहर से जितनी सख्त और सुलझी हुई लगती है ना, अंदर से उतनी नरम और नाजुक है। इतना सिंपल होने के बावजूद भी उसकी सोच यहाँ के कई पढ़े लिखों से ज्यादा ऊंची है। उनका मन तो बिल्कुल बच्चे के जैसा है। राम जी में एक ऐसी समझ है जो बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसान कर देती है। गुस्सा तो जैसे नाक पे मंडराता हूँ, पर दिल की बहुत साफ है। एक ऐसा भोलापन जो सब जगह मुस्कुराहट फैला देता है। खपा हो जाती है ना तो आंखों से मोटे मोटे मोतियां टपकने लगते हैं। खुद मुझसे पहले राम जी को यह एहसास हो जाता है कि मुझे क्या चाहिए और कब चाहिए। बिल्कुल मेरी माँ की तरह। पर एक बार प्यार से सर पे हाथ फेरा दो तो बिल्कुल गुड़िया बन जाती है। राम जी ने मुझे वो एहसास दिलाया जिसे मैं फिर से एक बार अपना बचपन जी सकती हूँ। He's a wonderful man. What a wonderful story. मुझे तो आपसे बहुत जलन हो रही है। Congratulations. Congratulations and all the very best. Thank you. Thanks. अच्छा अब एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से। भाई बुरा मत मानना, तुम ठहरे बिहार के एक छोटे से कस्बे के कुक बावर्ची जी, और समीरा यहाँ पैदा हुई है ट्रैवल एजेंट जी, पूरी तरह वेस्टर्न। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे साथ रहकर एक आदर्श भारतीय पत्नी की जिम्मेदारी निभा सकेगी? वो सब तो हम नहीं जानते, पर इतना जरूर जानते हैं कि हमारे बावर्ची होने का उन्होंने मजाक कभी नहीं उड़ाया, और उससे भी बड़ा काम किया उन्होंने भाई साहब। एक ऐसा काम जिसको करने के लिए हम भी हिम्मत नहीं जुटा पाते। उन्होंने अकेले ही हमारी बहन का घर बसा दिया। अरे पार्वती का जिंदगी सवारने के लिए उन्होंने वो सारा पैसा गांव भेज दिया जो उनको मेरी बीवी बनने के लिए मिला था। ये काम तो एक भारतीय पत्नी ही कर सकती है। राम जी, जज्बात में आकर तुम कुछ ज्यादा ही बोल गए। का कह रहे? अच्छा वो पैसों वाली बात? ए भाई साहब देखिए, ऐसा मत कीजिए, हम बर्बाद हो जाएंगे। बहुत लोगों का जिंदगी इस पर निर्भर करता है, कुछ कीजिए ना भाई साहब। अरे बीवी हो तुम्हारी, तुम मुझे गले लगा सकते हो।
सब गड़बड़ हो गया। You'll have to come with me, please. Come. समीरा, तुम्हें उसे बात करनी चाहिए। कम से कम उसे बताओ तो सही। You have to tell him how you feel. कैनी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब कुछ ठीक हो रहा था, सब कुछ, और अब Come on, Mr. Ramji, please. समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों का एहसान हम कैसे चुकाएं, खास करके समीरा जी का। अरे नहीं बेटा, हम सब के लिए ये एक नया तजुर्बा था। We had some good times, son. वैसे वो है कहाँ? बेटा, वो यहाँ नहीं आई। ग्रैनी माँ, तुमसे मिलने की हिम्मत वो नहीं जुटा पाई। समझ सकते हैं। हमें आगे दीजिए। हम सकते हैं। बच्चे से विदा ले लें। ए सोनू बाबू, तुमको कौन कहानी सुनाए करे? हाँ, देखेगा ना इधर। मिस्टर रामजी, Mr. Ramji, we are delighted to be able to reveal that you are the winner of the Elephant Brand Atta Dish with a Difference competition. As a winner, you've won £50,000 and we'd be more than happy to offer you the job as head chef. अरे क्या कह रहे हैं? ये बता रहे हैं कि तुम कंपटीशन जीत गए हो रामजी। क्या? और बस अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम जीत गए हो कंपटीशन रामजी। First Indian winner of this competition. And what's the secret of your success? Excuse me, everybody, before this gets any more confusing, this man is not entitled to win anything in this country, as he has been classed as an illegal immigrant. He has to go to the airport now, as we are late already. अरे गुरु भैया, आप तो कह रहे थे कि सब ठीक हो गया, तो ये दरोगा काहे नहीं समझ रहे हैं? रामजी, please somebody do something. This is not fair. How can they just? This is a police matter. That's what it says here, sir. You can't do this. It's spectacular. Out of way. Take it up with the Home Office, madam. It's out of my hands. You can't do this, sir. How can they just take it away? Back, sir. I wish you were never born. Hi, this is Emily. Can I speak to the chairman, please? I'll have to get the clear papers from the Indian Embassy. Yeah. Yes.
Excuse me, officer. I'm from the Home Office. Mm-hmm. Mr. Ramji is not an illegal immigrant. He lost his passport and his work permit when he arrived in the country. Yeah, he has the copy of the document and the verification of their authenticity by the Indian High Commission. And here is the order for his release. It seems he's been sponsored by a British company. These all seem to be in order. Mm-hmm. I guess Mr. Ramji's a free man. Well done. Here we appoint you as head chef. अरे तुम आजाद हो ये तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो This is 50,000 pounds Mr. Ramji now that you won what are you going to do with the prize money क्या करोगे इनाम का पूछ रहा है तुमसे अरे ये पैसा हमारा हो गया सब पैसा एक एक पैसा इसमें तुम्हारा और अब तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो सब ठीक हो गया हाँ रामजी इसको लेकर हम अपने गाँव जा सकते हैं Go home, money. My money. वापस क्यों जाओगे तुम गांव वापस क्यों जाओगे अब तो सब ठीक हो गया ना यहाँ पे हाँ गुरु भैया सब ठीक हो गया ना अरे पार्वती का घर बसाने आए थे सो बस किया अब इन पैसों से हम आपका कर्ज भी चुका देंगे ना अरे फिर वापस क्यों जाना चाहते हो अरे भाऊजी हम यहाँ पैसा कमाने थोड़े आए थे एक समस्या सुलझाने आए थे सो निपट गया अब इसके बावजूद भी अगर हम यहीं रह गए ना तो हम सिर्फ अपने स्वार्थ और पैसों के लिए यहाँ रह जाएंगे अरे हो सकता है कि जैसे आप लोग कह रहे हैं कि हम एक बड़े पावरची बन जाएंगे ढेर सारे पैसा भी कमा लेंगे और आप लोगों की तरह एक पुरानी मर्सिडीज भी खरीद लेंगे पर उस मर्सिडीज का क्या फायदा जब तक हम अपने पार्वती और पप्पू को उस पे शान से सवारी करते हुए ना देख लें अरे गुरु भैया उस गाड़ी का क्या फायदा जब तक हमारे गाँव वाले हमें उस पर ना देख लें अरे उस शान और शौकत का क्या फायदा जब तक छोटू मामा अपना सीना तान के बीच गांव में जोर जोर से उसका ऐलान ना कर सके और हम जिंदगी भर के लिए इन लोगों के लिए तरसते रह जाएंगे लेकिन लेकिन हमारे गांव वाले कभी हमारी कामयाबी का फायदा नहीं उठा सकेंगे और लंदन में हम एक कामयाब बावर्ची और अधूरे इंसान बन के रह जाएंगे लेकिन गुरु भैया अगर ये पैसे लेकर हम घर चले गए ना तो अब कोई अंदाजा नहीं कि कितने लोगों का सपना पूरा हो जाएगा अरे हमारे गांव वालों का सीना कर्ज से फूल जाएगा अरे वहां पे हम एक अंग्रेजी स्कूल खोलेंगे ताकि हमारी बात कोई हमारी ऐसा अनपुर ना रहे और फिर वहां पे लोग कहेंगे कि राहू देखो वो है रामजी लंदन वाले गुरु भैया वही हमारा अस्तित्व है और वही हमारे लिए सबसे जरूरी है रामजी क्या तुम्हारा जाना जरूरी है जीवन में कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब आपको अपने जिंदगी में सबसे प्यारी चीज और जिम्मेदारी को बीच में चुनना पड़ता है दिल कहता है कि अपनी सबसे प्यारी चीज को चुन लो पर दिमाग कहता है कि अपनी जिम्मेदारियों को अपना लो अरे हमारे सबसे प्यारी चीज की खासियत तो यही है कि आंखें बंद कर लो तो नजरों के सामने आ जाती है पर जिम्मेदारियों का क्या करें हाँ आंखें तो नहीं बंद कर सकते ना जिंदगी भर याद रहेगा कि लंदन में एक परी से मिले थे तुमने जो कुछ भी कहा सच है पर मैं कुछ कहना चाहती हूँ ना ना समीरा जी प्लीज प्लीज कुछ मत कहिए देखिए बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा पाए हैं ये निर्णय लेने में देखिए जो सही है वही कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसमें भी आप हमारा साथ दें चलते हैं अरे कमाल के आदमी हो यार तुम मैं सोचता था कि मैं हर प्रेम कहानी को अच्छी तरह समझता हूं लेकिन तुमने मुझे प्रेम कहानी का एक नया ही पहलू समझाया
वैसे तो अक्सर प्रेम कहानी का हैप्पी एंडिंग होता है, लेकिन तुम्हारी कहानी का अंत तो दो प्रेमियों के बिछड़ने से होता है, और फिर भी ये अंत सही लगता है। कमाल के आदमी हो यार। अपना ख्याल रखना। नमस्ते। ओ नमस्ते। अरे ठोले भाई साहब, ये आपका पुर्जा है भाई। It's a pleasure to restore your dignity to you, Mr. Ramji. I was only doing my duty. Been a privilege to know you. And if you ever do come back to England, you've always got a place to stay and a friend you can trust. You take care. पता नहीं क्या कह रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर दिल की बात दिल समझता है। कुछ अच्छा ही कह रहे। अच्छे दरोगा हैं आप। नमस्ते। नमस्ते। अरे हो नागना नजरिया, राम जी नजरिया मोरे, रामा जी को लागना नजरिया, राम जी रामा जी को लागना नजरिया। जो हो गया सो हो गया। काश मैं इसे बता सकती, सिर्फ एक बार। और उसने मुझे मौका ही नहीं दिया ग्रैनी माँ। अब वो कभी नहीं मिलेगा। I'll miss him. I'll miss you too. What? मुझे तुम दोनों की बहुत याद आएगी। What? अरे पगली, जिंदगी में सिर्फ एक बार रामजी जैसे इंसान से मिलने का मौका मिलता है, और फिर उसे अपने दिल की बात ना बताना सबसे बड़ी बेवकूफी है। ए बुड़बक, ये मौका मत जाने दो। लो तुम्हारा पासपोर्ट और टिकट, ये रहा। इसे पहले की बहुत देर हो जाए। गो फॉर इट बेब, ही इज द मैन फॉर यू। गो, कम ऑन ग्रैनी, माय लिटिल गर्ल। गो, गो फॉर इट, गो गो समीरा, डोंट मिस दिस चांस। गो, गो। बेबी, ओ, 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 पापा के पास जाओगे? अरे इसे देखो, चुप ही नहीं हो रहा है। जाओ मम्मी के पास, लाओ मुझे दो। खुद का होगा तब पता चलेगा, खुद ही संभालना पड़ेगा। सुन रहा है क्या? अरे आरती का थाली ले आओ ना भाई, टाइम होता जा रहा है। अरे आप ही काट लीजिए ना रिबन। चिल्ला क्यों रहे हो, अभी 5 मिनट है ना। देखिए समीरा जी, 5 हानी जी। देखे ना, आपकी ग्रैंडमा अभी लंदन से आई है, उन्हीं से उद्घाटन करवा देते हैं ना। मुहूर्त का वक्त निकला जा रहा है। अरे किसका इंतजार किया जा रहा है? अरे 5 मिनट भाई, एक खास मेहमान का इंतजार हो रहा है। खास मेहमान? हाँ। अरे कौन खास मेहमान? राम जी, क्या हुआ? लगता है आ गया। रंग बरसे रंग बरसे भीगा चुनर वाली, रंग बरसे रंग बरसे भीगा चुनर वाली, रंग
दिखाए गोरी का यार बलम तन से रंग बरस रंग बरस भीग चुनर वाली रंग बरस क्या साक्षात हद है ना तुम लोग जब चाहो टिकट खरीद करके हमें देख सकते हो लेकिन हमें मौका नहीं दोगे अपना वर्ल्ड फेमस गाजर का हलवा खाने का एक आम आदमी का सपना ई हद तक पूरा हो सकता है इस सपने का भी सपना नहीं देखे थे सब कुछ मुमकिन है भाई साहब बस चाह की जरूरत होनी चाहिए है? ला हम उद्घाटन किए देते हैं कंचिका जी ये अरे भाई ताली बजाइए राम जी के पास है सब के लिए मसाला सब कुछ मुमकिन है राम जी के पास है सब के लिए मसाला हर ताले की चाबी हर चाबी का ताला हर ताले की चाबी हर चाबी का ताला बाबरची घराने से जुड़ी है इनकी तारे बाबरची घराने से पीढ़ी दर पीढ़ी से बाबरची हैं सारे बाबरची घराने से जुड़ी है इनकी तारे कुएं के मेंढक है राम जी पर है कुएं के राजा सारे कुएं में बजता है इनके नाम का बाजा राम जी के पास है सबके लिए मसाला बहनों की शादी की सर्व जिम्मेवारी रात दिन यही ख्याल सर पे करे सवारी राम